ओके नेक्स्ट इज़ लीवर अब जो लीवर है वो फोरगर्ट में से निकलता है और ये हमारे पास हेल्प करता है मेटाबॉलिक और डाइजेस्टिव फंक्शन में इसके अलावा लीवर इज़ द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन इन द बॉडी इसका साइज़ जो है अप्रॉक्सीमेटली टू परसेंट ऑफ टोटल बॉडी वेट है अब जो लीवर है ना ये मलिग्नेंट सेल्स को बड़ा वेलकम करता है सेप्सिस को बड़ा वेलकम करता है जब भी कोई चोट लगती है तो सबसे पहले ये ब्लीड होता है कोई ब्लड ट्रामा होता है तो सबसे पहले लिवर ब्लीड होता है इसके अलावा इसके पास कुछ एबिलिटी है कि रीजनरेट कर लेता है आफ्टर मैसिव लॉस ऑफ सबस्टांस उसके अलावा कोई भी इंसल्ट हो ये बेचारा उसको फॉरगिव कर देता है अब लिवर के ऊपर बाहर एक कैप्सूल होता है उसे हम कहते हैं ग्लिस कैप्सूल ये क्या क्या इन्वेलप करता है अपने अंदर हिपैटिक आर्टरी रखता है पोर्टल वेंस बाइल डक्ट्स और हाइलम ऑफ लिवर सो इन चीज़ों को जो चीज़ इन्वेलप करती है उसे कहते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल हिपेटिक आर्टरी पोर्टल वेन बाइल डक्ट और हाइलम ऑफ लिवर अब लिवर की अगर आर्टीरियल सप्लाई देखें तो दो तरह से आती हैं 80 परसेंट इसकी आर्टीरियल सप्लाई जो है वो पोर्टल वेन से है और बाकी जो 20 परसेंट इसकी आर्टीरियल सप्लाई है वो कॉमन हिपैटिक आर्टरी से है फिर अगर इसकी वीनस ड्रेनेज देखें तो इसकी वीनस ड्रेनेज तीन जगह से आती है राइट right, मिडल और लेफ्ट हैपैटिक वेन और ये तीनों राइट हेपेटिक वेन मिडल हेपैटिक वेन और लेफ्ट हेपैटिक वेन अल्टीमेटली ड्रेन करती हैं इन्फीरियर वेना केवर के, के अंदर अब लिवर को हम कुछ फंक्शनल लोब्स के अंदर पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं और इसे हम कहते हैं कि दीज आर फंक्शनल पार्ट्स ऑफ लिवर सबसे पहले मिडल हैपैटिक वेन बीच में से गुजरेगी और ये दो पार्ट्स में लिवर को डिवाइड कर देगी लेफ्ट और राइट लिवर सो so, ये जो लेफ़्ट और राइट लिवर है ये हमारे पास फंक्शनल यूनिट्स लिवर के अब ये जो बीच में से मिडल हेपैटिक लाइन गुजर रही थी जिसने इसको डिवाइड किया था इसे हम कहते हैं दिस इज़ कैंटलीज लाइन अब कैंटलीज लाइन जो होती है ये कहाँ से कहाँ तक गुजरती है एक तो वही होगी मिडिलपेटिक वेन वाली जगह होगी अब अगर इसकी नैटमी को लोकेशन देखें तो ये कहाँ से कहाँ है एंटीरियरली गाल ब्लैडर फोसा होता है और पोस्टीरियरली इन्फीरियर वेना केव होता है सो so, लिवर अब हमारे पास दो सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड हो गया इसको फिर फर्दर लेफ्ट साइड को भी चार में डिवाइड करते हैं राइट right को भी चार में डिवाइड करते हैं इस तरह इसके आठ फंक्शन जो हैं वो सेगमेंट्स बन जाते हैं अब हेपैटिक वेंस जो हैं वो पैरी फ्री पे मिलेगी हपैटिक वेंस जितने भी हैं वो हर सेगमेंट के पे होंगी और सेंटर में फिर क्या होगा वेल well, सेंटर में हमारे पास पोर्टल वेंस हो सकती हैं हैंपैटिक आर्टरीज हो सकती हैं और बाइल डक्ट्स हो सकती हैं लेकिन जो हैपैटिक वेंस हैं वो पे होंगी अब जो मिडल हेपैटिक वेन है जैसे कि हमने बताया कि वो लिवर को डिवाइड करती है लेफ़्ट और राइट लोब के अंदर एंड दिस इज़ कॉल्ड कैंटलीज लाइन और ये स्टार्ट होती है गाल फोसा से और इन्फीरियर वेना केवा तक जाती है अब हमारे पास लेफ्ट और राइट जो है वो दो लोब्स आ गए अब अगर लेफ्ट लोब को फर्दर डिवाइड करें तो फैलसी फॉर्म लिगामेंट क्या करता है लेफ्ट लोब को फर्दर डिवाइड करता है दो के अंदर लेटरल और मीडियल अब ये जो लेटरल में दो बने हैं इन्हें हम कहेंगे दिस आर सेगमेंट नंबर टू एंड सेगमेंट नंबर थ्री और ये जो मीडियल में दो बने हैं इन्हें कहेंगे सेगमेंट नंबर फोर ए और सेगमेंट नंबर फोर बी सो सेगमेंट वन जो है उसे हम कहते हैं दिस इज़ कॉर्डेड लोब और ये सेंटर में होता है इसकी जो ड्रेनेज होती है वो इंफीरियर वेना अकेवा में डायरेक्टली होती है ये तो था लेफ़्ट वाली साइड अगर राइट right साइड की बात करें जो राइट right लोब था उसको भी फर्दर दो में डिवाइड कर सकते हैं राइट लोब को राइट अपैटिक वेन फर्दर दो में डिवाइड करती है एंटीरियर और पोस्टीरियर सेगमेंट एंटीरियर सेगमेंट में आते हैं सेगमेंट फाइव और एट और पोस्टीरियर में आते हैं सेगमेंट सिक्स और सेगमेंट सेवन सो जो कॉर्डेड लोब है जो कि वन है सेगमेंट नंबर वन उसमें उसके पास हेपेटिक वेंस हैं और वो डायरेक्टली इन्फीरियर वेना केव में जाती हैं अब यहाँ तक जितनी भी डिवीजन थी ये सारी वर्टिकल थी अगर स्टार्ट से स्टार्ट करें जो कि कैंटलीज लाइन थी या सिंपली अगर हम कहें कि मिडल हपैटिक वेन थी वो भी वर्टिकल आती थी और लेफ्ट राइट में डिवाइड की थी फिर लेफ्ट में जो फैलसी फॉर्म था वो भी वर्टिकली नीचे आता था उसने दो को डिवाइड किया था राइट में जो राइट हेपेटिक वेन वर्टिकली नीचे आती थी उसने भी राइट को दो में डिवाइड किया था अब इस लिवर को हम हॉरिजॉन्टली भी डिवाइड कर सकते हैं इंटू अपर एंड लोअर पार्ट्स और ये कौन करेगा ये पोर्टल वेन डिवाइड करेगी सो पोर्टल लिवर को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है अपर और लोअर अपर के अंदर क्या आ सकते हैं टू फोर एट और सेवन और लोअर के अंदर आ सकते हैं थ्री फोर बी फाइव और सिक्स अब ये जितने भी सेगमेंट्स हैं ना इन्हें हम क्लाक वाइज नंबरिंग देते हैं और इन सेगमेंट्स को हम इस तरह याद रख सकते हैं कि अगर हम अपनी मुट्ठी बंद करें और ये जो दो उंगलियाँ हैं इनके बीच में अपना अंगूठा डाल दें ठीक है तो ये हमारे पास लीवर के जो हैं ये चारों सेगमेंट्स बन जाएंगे तो इस तरह होता है कि वन वाला जो होगा वो सेंटर में होगा बाकी जो होगी वो क्लॉकवाइज होगी टू थ्री फोर तो डिवाइडेड ए और बी फाइव सिक्स सेवन और एट ये तो थी सारी लिवर की डिवीजन अब अगर लिवर के फंक्शंस की बात करें वेल पहली बात मेटाबॉलिज्म ग्लूकोज काव्स प्रोटीस इसका मेटाबॉलिज्म कैरी करता है क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाता है टू सेवन नाइन टेन प्रोटीन सी और प्रोटीन एस इसके अलावा बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है पी बैलेंस करता है लैक्टिक का मेटाबोलिज्म करता है बाइल बनाता है और फिर गाल ब्लैडर के अंदर स्टोर करता है ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म करता है हार्मोन्स का मेटाबॉलिज्म करता है इसके अलावा जितने भी एंट्रोटॉक्सेंस हैं या फॉरेन एंटीजेंस हैं उनको गट से रिमूव करता है अब लिवर की हम असेसमेंट किस तरह कर सकते हैं वैली इसके लिए एल एफ टीज हैं एल एफ टीज़ एक ग्रुप ऑफ़ एन्जाम्स के लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं और इसमें बहुत सारे एन्जाइम्स आ सकते हैं फॉर एग्जांपल एस टी आता है ए एल टी आता है एल्कल फॉसफिटेज आता है जी जी टी आता है विच इज़ गैमक ग्लोटामाइल ट्रांसपेप्टीडेज तो ये सारे आते हैं इसके साथ साथ सीरम बिली रूबिन अब ये जो एल एफ टीज है ये एक जस्ट मिस uh, है ये एक्चुअली लिवर के फंक्शन ही बताते ये तो बताते हैं कि हेपेटोसाइट्स को कितनी डैमेज पहुंची है सो so, ये एक्चुअली लिवर की इंटेग्रिटी टेस्ट है एक्चुअल जो फंक्शनिंग टेस्ट हैं वो एल्ब्यूमिन और पी टी आई एन आर विच इज़ प्रोथ्रोम्बिन और इंटरनेशनलाइज्ड रेशो है आई एन आर तो जब भी हपैटो सेलर इंजरी होती है ना तो एस टी और एल टी एजाइम्स जो होते हैं वो इंक्रीज़ कर जाते हैं ये एंजाइम जो होते हैं ये पार्टिसिपेट करते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस में अब ए एस टी जो है लिवर के साथ साथ कार्डिक मसल्स केल्टल मसल्स किडनी ब्रेन में भी होता है सो तो ये लेस स्पेसिफिक है हाँ अगर ए एल टी बढ़ता है तो ये ज़्यादा स्पेसिफ़िक है लिवर डिजीज़ के लिए अब कॉमन काजेज़ क्या हैं कि ये एंजाइम्स जो हैं एलिवेट हो जाते हैं वेल हेपेटाइटिस है में हो सकते हैं एल्कोहलिक लीवर में हो सकते हैं एल्कोहलिक एब्यूज़ में टॉक्सिक ड्रग्स ऑटोइम्यून इम्यून कोई भी ऐसी कॉज जिसमें लिवर को इंजरी पहुंच रही है एक्यूट लिवर फेलियर में तो ये थाउजेंड्स तक जा सकते हैं लेकिन सिरोसिस के अंदर ये एलिवेट नहीं होते क्यों क्योंकि सिरोसिस के अंदर लिवर का पैरन कायमा ही सारा फारग हो जाता है उसकी जगह फाइब्रस टिश्यू आ जाते हैं नोड्यूल्स आ जाते हैं सेप्टा आ जाते हैं तो जब पैरन का एम नहीं है सेल्स ही नहीं है सेल्स के अंदर स्टोर ही नहीं है ए और ए का तो ये ब्लड में फिर कैसे आएंगे सो so, सिरोसिस के अंदर ए और ए एस इंक्रीज नहीं करते अब सिंथेटिक फंक्शन की अगर एक्चुअल सिंथेटिक फंक्शन की बात करें तो लिवर के दो हैं एल्ब्यूमिन बनाता है और आई अब डेली टेन ग्राम एल्ब्यूमिन जो है वो लिवर बनाता है अब एल्ब्यूमिन जो है वो एक्यूट इंजरी का मार्कर नहीं है क्योंकि एल्ब्यूमिन के हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा है 15 से 20 डेज़ है सो so, जब इंजरी होगी और फिर हमें वेट करना पड़ेगा कि 15 से 20 दिन इंजरी रहे जो ब्लड में ऑलरेडी एल्ब्यूमिन है वो ड्रॉप हो फिर हमें जाके पता चलेगा सो so, ये इतना अच्छा एक मार्कर नहीं है एकट इंजरी का तो so, अगर क्लॉटिंग फैक्टर्स की तरफ आए तो हमें पता चलेगा क्लॉटिंग फैक्टर टू फाइव सेवन नाइन टेन प्रोटीन सी और प्रोटीन एस ये सारे लिवर बनाती हैं तो मोस्ट ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्सेप्ट फैक्टर एट ये जो है लिवर बनाती है तो so, हम क्या करते हैं पी टी आई एन आर देखते हैं प्रोथ्रामिन टाइम देखते हैं और जो पी टी है वो हमारे पास एक्सट्रेंसिक पाथवे को शो करता है सो so ये जो है ये बहुत ज़्यादा जल्दी ड्रॉप कर जाते हैं अगर ये ड्रॉप कर गए तो इसका मतलब कि ये एक्यूट लिवर इंजरी है और इसको एक्यूट इंजरी को देखने के लिए फिर हम क्लॉटिंग फैक्टर्स देखते हैं एल्ब्यूमिन नहीं देखते अब असेसमेंट किस तरह करेंगे कॉलिस्टैसिस की कॉलिस्टेसिस क्या होता है कि लिवर जो है बाइल बल है वो बाइल गाल ब्लैडर में जाता है फिर वो फाइनली डोर्डनेम तक जाता है इस रास्ते में कोई भी इंपेयरमेंट हो जाए कि बाइल फ्लो हमारे पास डोडनेम तक नहीं जा रहा वो फ्लो अगर इम्पेयर हो जाए जैसे हम कहते हैं ये कॉलिस्ट्रेसिस है क्यों हो सकता है हेपेटोसेलुलर डिसफंक्शन या लिवर ने नहीं बनाया या लिवर बना रहा है और आगे कोई ऑब्स्ट्रक्शन हुई है फॉर एग्जांपल कोई स्टोन है तो इसमें इस केस में कॉलिस्टेसिस जो है वो हो सकता है अब कॉलिस्ट्रेसिज किस तरह पता चलेगा इसके इस केस में हम एल्कल फॉस्फेटेस देखेंगे जी जी टी देखेंगे और बिलीरुबिन देखेंगे एल्कलाइन फॉस्फेटेस जो है ना ये हमारे पास गाल ब्लैडर में भी होता है बोन्स में भी होता है लिवर में भी होता है अब ये लिवर में किधर होता है लिवर में जितनी बाइल डक्ट एपिथेलियम है वहाँ पे होता है तो जब भी कोई ऑब्सट्रक्शन होती है तो एल्कलाइन फॉस्फेटेस के लेवल्स जो है वो इंक्रीज़ कर जाते हैं इसके अलावा जी जी टी आई गैमाग्लूटामल ये भी इंक्रीज़ कर जाता है ये ये कहाँ से रिलीज होता है ये बाइल डक्ट एपीथीलियम में होता है और जब ये इंक्रीज़ कर जाता है तो इसका मतलब होता है कि बिलरी ऑब्स्ट्रक्शन है लेकिन ये बहुत ज़्यादा नॉन स्पेसिफ़िक है ये बाकी कंडीशन में भी इंक्रीज़ कर सकता है फॉर एक्जाम्पल अल्कोहलिक इंजेस्टन हो गई है या फिर पैंक्रियाटिक डिजीज़ है एम आई है रीनल फेलियर है सो तो इस सब में भी जी जी टी इंक्रीज़ कर सकता है अब जोंडस की किस तरह असेसमेंट करते हैं वेल well, जॉन्डस होता क्या है येलो डिसकलरेशन होती है स्किन क्लैराम्यूकस म्यूकस मेम्ब्रेन की और पिगमेंट इसके अंदर बिली रोबिन आ जाता है अब ये बिली रोबिन क्या है हीप जब मेटाबॉलिज्म होता है तो उसका जो ब्रेक डाउन प्रोडक्ट होता है दैट इज़ बिली रोबिन बिलीरोबेनाइल ब्यूमिन के साथ बाउंड होता है फिर ये लीवर के पास जाता है लीवर में इसकी कॉन्जुगेशन होती है कौन करता है कॉन्जुगेशन ग्लूक्रोनाइल ट्रांसफरेज करता है ग्लूक्रोनिक एसिड के साथ मिलाता है फिर ये जो बाइल होता है ये अनकॉन्जुकेट से कॉन्जुगेट हो जाता है यानी वाटर सॉल्युबल हो जाता है फिर ये क्या है एक्सक्रीट होता है इंटेस्टाइन में वहाँ पे यूरोबिलिन कुछ यूरिन से निकल जाता है कुछ टर्कोबिलिन बन जाता है और इसका मेटाबॉलिज्म जो है चलता है एंटारोहोपैटिक सर्कुलेशन होती है अब नॉर्मल जो बिली रोबिन के लेवल्स है सर्कुलेशन के अंदर वो वन मिलीग्राम पर डेसी लीटर है अगर ये टू पॉइंट फाइव से ज़्यादा हो जाए तो हम इसे कहेंगे इस जाएंगे दिस इज जॉन्डस क्लिनिकली डिटेक्टेबल वेरी इंपॉर्टेंट क्लिनिकली डिटेक्टेबल जॉन्डस तब कहेंगे जब टू पॉइंट फाइव मिलीग्राम पर डेसी लीटर से ज़्यादा हो जाए और ये जो हमारी बॉडी में नॉर्मल लेवल है ना ये वन मिलीग्राम पर डेस लीटर है अब इसमें से जो नाइन्टी परसेंट होता है वो अनकॉन्जुगेटेड होता है तो जॉन्डस हमारे पास बहुत सारे कॉजेज हो सकता है प्री हेपाटिक हेपाटिक पोस्टैटिक सारी कॉजेज हो सकती हैं प्री हेपाटिक में क्या होता है ज़्यादातर हिमोलिसिस होती है जब हिमोलिसिस होती है तो ओवर प्रोडक्शन हो जाती है बिलेरोबिन की अब लिवर इतनी ज़्यादा कॉन्जुगेशन नहीं कर सकता उसकी इतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है तो अनकॉन्जुगेटेड हाइपर बिलेरोबिन हीमिया हो जाता है इसके एग्जाम्पल में हमारे पास आता है हिमोलेटिक अनिमिया या कोई भी हिमोलिसिस वगैरह इंट्रापैटिक जॉन्डस क्यों होता है वेल well, इस केस में हमारे पास हैपैटिक इनसफिशिएंसी होती है किसी भी रीजन की वजह से और एंजाइम्स जो इंक्रीज करेंगे ए एस कर सकते हैं तो अगर इंटरा हेपैटिक जॉन्डस की बात करें तो ये आ, अनकॉन्जुगेटेड हाइपर बिले भी हो सकता है और कॉन्जुगेटेड हाइपर बिले भी हो सकता है अगर तो जिलबियर सिंड्रोम है या क्रिगुलर नजार है तो उसमें जो डिफेक्ट होता है ना वो एंजाइम का होता है एंजाइम ही नहीं होता जिसकी वजह से कॉन्जुगेसन नहीं होती सो अनकॉन्जुगेटेड हाइपर बिले मिलता है रोटर्स और ड्यूबिन जॉन्सन सिंड्रोम में एंजाइम होता है हमारे पास वो ट्रांसपोर्ट मैकनिजम नहीं होते हैं या वो डिफेक्टेड होते हैं जिसने कॉन्जुगेट को आगे ट्रांसपोर्ट करना होता है सो so, इसकी वजह से हमारे पास कॉन्जुगेटेड हाइपर बिलेरो होता है उसके बाद कुछ पोस्ट पोस्टैटिक जोंडस होता है नाउ दिस इज़ एक्चुअल सर्जिकल जोंडस ये किस वजह से होता है ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है जब कोई बाइल स्टोन वगैरह आ जाता है तो आ, सारी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है इस, इ, इसको हम कहते हैं दिस इज़ पोस्ट हपैटिक जान्डस अब इसमें क्या चीज़ इंक्रीज़ करेगी कॉन्जुगेटेड बिलेरोबिन के लेवल्स इंक्रीज़ कर देंगे एल्कोलाइन फॉस्फोटेज इंक्रीज़ कर जाएगा गैमाग्लूटामाइल ट्रांसपेप्टीडेज जी जी टी ये इंक्रीज़ कर जाएगा और सबसे ज़्यादा कॉज कॉमन कॉज क्या होता है कार्सिनोमा ऑफ हेड ऑफ़ पेंक्रियाज इसके अलावा स्टोन हो सकता है सो ये इन सारी कॉजेज़ में पोस्टपैटिक जॉन्डस होता है नेक्स्ट है हमारे पास लिवर ट्यूमर्स अब इन ट्यूमर्स को देखने के लिए हम क्या करते हैं ट्राई फिजिक या लिवर डायनामिक सिटी स्कैन करते हैं अब ये क्या है हमारे पास ये थ्री डिफरेंट स्टेजेस का हमारे पास स्कैन होता है अब इसमें सिंपली क्या करते हैं कि पहले स्कैन लेते हैं फिर इंट्रावीनस हम कंट्रास्ट डालते हैं बॉडी पिक करती है फिर तीस सेकेंड बाद पैंसठ सेकेंड बाद जो है वो दो दो इमेज़स लेते हैं और फाइनली हमारे पास ट्राई फेजिक जो है वो डायनेमिक सिटी बन जाता है और इसको हम यूज़ करते हैं कि हम डिफरेंट लियर्स को कैटेगराइज़ करें हेमेंजियोमा कौन सा है हेपैटोसेलर कार्सिनोमा कौन सा है सो so, ये रिले ट्यूमर डिपेंड करते हैं कुछ आर्टरीज़ को आपटेक करते हैं कुछ वेंस को ऑपटेक करते हैं सो so, इस तरह हम इनको कैटेगराइज कर सकते हैं सो so, पहला जो स्कैन होगा जिस तरह हमने कहा यह ट्राई फेजिक है इसमें तीन स्कैन हो जो पहला स्कैन होगा दैट इज़ बिफोर इंजेक्टिंग द डाई इसे हम कहेंगे दिस इज़ प्री कंट्रास्ट दूसरा स्कैन जो होगा वो डाई इंजेक्ट करने के तीस सेकेंड बाद लेंगे क्योंकि इस वक्त तक जो डाई होगा वो आर्टरीज़ में होगा आर्टरीज कौन सी याटो हैपैटिक आर्ट्रीज हो सकती हैं अब इस फेज़ में क्या होगा कि वो सारे लिवर लीजेंस या ट्यूमर्स जिनकी सप्लाई हेपैटिक आर्टरी से वो सारे ब्राइट हो जाएंगे क्योंकि हमने डाई डाला हुआ है आर्टरी में सो वो सारे हेपैटिक लीजेंस जो अपनी सप्लाई आर्टरी से लेते हैं वो इसमें ब्राइट हो जाएंगे दिस इज़ कॉल्ड आर्टीरियल इन्हांसमेंट फिर हम क्या करेंगे पैंसठ सेकेंड वेट करेंगे फिर एक और अगली इमेज लेंगे सी की लेंगे इसमें क्या होगा कि इस वक्त तक जो डाई है वो वीनस सिस्टम के अंदर पहुंच जाएगा कौन सी वेंस इन्फीरियर वेनक के वह हो सकती है या पोर्टल वेन हो सकती है सो पैंसठ सेकेंड के बाद हम वेट करेंगे इस वक्त डाई वेंस के अंदर होगा सो इसमें क्या होगा कि जो आर्टरीज वाले लियंस थे जो आर्टरी से ले रहे थे अपनी न्यूट्रिशन जो पहले ब्राइट हो गए थे अब वो डल हो जाएंगे और जितने लियन्स जो कि वेन uh, से ले रहे थे अपनी न्यूट्रिशन वो ब्राइट हो जाएंगे सो so, जो हैपैटिक आर्टरी वाले फॉर एग्जांपल जो हैपाटोमा है उसकी न्यूट्रिशन हैपैटिक आर्टरी से थी वो आर्टीरियल इन्हांसमेंट फेज में ब्राइट हो जाता है सो so, वो जो है वो डल हो जाएगा फेड वे हो जाएगा वो जो फेड वे हो जाएगा उसे हम कहेंगे दिस इज वीनस वॉश आउट एंड दिस इज़ करेक्टरस्टिक ऑफ हैपाटोमा सो हैपाटोमा क्या करता है ये हमारे पास आर्टेरियल इन्हांसमेंट में इन्हास हो जाएगा ब्राइट हो जाएगा और जब थर्ड स्कैन लेंगे वीनस स्कैन लेंगे तो उसमें वॉश आउट हो जाएगा तो हम इस तरह कैटेगराइज कर देंगे कि ये लियज जो है ये हैपाटोमा है। कुछ लियन्स जो हैं वो वीनस फेज में ब्राइट हो जाएंगे ये वो लियन्स हैं जो अपनी ब्लड सप्लाई पोर्टल वेन या वेन से ले रहे थे फॉर एग्ज़ाम्पल इस कैटेगरी में आता है हिमेंजियोमा इसके अलावा कभी कभी हम फोर्थ स्कैन भी करते हैं पाँच मिनट इंतजार करते हैं और इसे हम कहते हैं दिस इज़ डिलेड वीनस या फिर एकोलिब्रियम फेज़ सो इस ट्राई फेजिक सी को हम यूज़ कर सकते हैं कैटेगराइज करने के लिए डिफरेंट लियंस को इसके अलावा लिवर की वास्कुलर एनाटमी चेक करने के लिए रिलेशन देखने के लिए कि लीजन लिए का वास्कुलर स्ट्रक्चर के साथ क्या रिलेशन है और इसी सारी बेसिस के ऊपर फिर हम अपना ट्रीटमेंट जो है वो प्लान करते हैं अब अगर बात करें हम हैपैटोसेलर कार्सिनोमा की या जिसे हमने कहा कि वो हैपाटोमा है सो so, इस केस में क्या हुआ कि ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफ़िक है कि आर्टिक्रियल इन्हांसमेंट हुई और पोर्टल विनस वॉश आउट हो गया नाउ दिस इज़ द करैक्टरिस्टिक फॉर दिस फीचर लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हर लीजन इस तरह हमें ईजिली पिक नहीं होता तो हमें बाकी चीज़ों की भी जरूरत पड़ सकती है सी स्कैन की पड़ सकती है साथ एम कर सकते हैं और कभी कभी बायोप्सी की तरफ भी जाना पड़ता है सो अब अगर हम फाइनली लिवर ट्यूमर्स देखें तो कौन कौन से आ सकते हैं कुछ बिनाइन है कुछ मलेग्नेट है, है अगर तो हम बिनाइन ट्यूमर्स की बात करें तो उसमें हिमैचीओमा आ सकता है हिपैटिक एडिनोमा आ सकता है फोकल नोड्यूलर हाइपरप्लेजिया आ सकता है और अगर मलेग्नेंट की बात करें तो उसमें हैपैटोसेलर कार्सिनोमा है जिसको हमने हपैटोमा कहा था उसके अलावा हैपैटोब्लास्टोमा आ सकता है कोलियनजी कार्सिनोमा मिक्स ट्यूमर और सरकोमा आ सकता है सेकेंड्रीज हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉमन है और प्राइमरी ट्यूमर उनके कहाँ कहाँ से हो सकते हैं कलॉन में हो सकते हैं कलौन से उठ के लिवर में आ जाए पैंक्रियाज से उठ के लिवर में आ जाए किडनी से उठ के लिवर में आ जाए ब्रेस्ट से आ जाए लंग्स से आ जाए सो कलॉन पेंक्रियाज किडनी ब्रेस्ट लंग्स यहाँ से लिवर में मैट्स आ सकते हैं अगर सबसे पहले लियंस में हेमानजीओमा की बात करें तो हेमेंजियोमा इज़ अ कॉमन बिनाइन ट्यूमर और ये कैपिलरी टाइप का भी हो सकता है कवर्नस टाइप का भी जो कैपिलरी टाइप का होता है उसमें मल्टीपल छोटे छोटे ए सिम्टमेटिक होते हैं जो कवर्नस टाइप का होता है उसमें एक होता है लार्ज होता है और सिम्टोमेटिक होता है मोस्ट ऑफ द टाइम हेमानजीम ए सिम्टमेटिक होते हैं गलती से इंसिडेंटली जो होते हैं वो अल्ट्रासाउंड पर मिल जाते हैं सी से कन्फर्म कर सकते हैं ट्राई फेजिक सी स्कैन कराएंगे तो हेमैनजियोमा में क्या नजर आएगा आर्टेरियल फेज़ के ऊपर पेरीफिरल इन्हांसमेंट और वीनस फेज के ऊपर प्रोग्रेसिव इन्हांसमेंट अब जो आर्टीरियल फेज़ की जो इन्हांसमेंट थी उसे हम कहेंगे दिस इज़ एसीमेट्रिकल पेरीफिरल इन्हांसमेंट और जो वीनस फेज के ऊपर इन्हासमेंट थी वो क्या है प्रोग्रेसिव सेंट्रीपीटल इन्हासमेंट सो दोनों फेज के ऊपर इन्हासमेंट है और हेपैटोसेलर कार्सिनोमा में डिफरेंट होता है आर्टीरियल के ऊपर इन्हांस करता है और वीनस के ऊपर वॉश आउट हो जाता है अब हिमांची में हम बायोप्सी नहीं कराते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ब्लीड करता है सो हम बायोप्सी को अवॉइड करते हैं इसकी वजह से फेटल हेमरेज हो सकती है ट्रीटमेंट क्या है एसिम्टोमेटिक लिया है तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है सिम्टोमेटिक है ब्लीड कर रहा है तो हम सिंपली क्या करेंगे रिसेक्ट कर लेंगे इसको उसके अलावा नेक्स्ट आता है हिपैटिक्डनोमा एडनोमा एडनोमा बहुत ज़्यादा रेयर है और हाईली एसोसिएटेड है कंट्रासेप्टिव पिल्स के यूज़ के साथ यंग वुमेन में देखते हैं और माइक्रोस्कोपिकली हमें किस तरह नजर आता है शीट्स ऑफ हेपैटोसाइड्स कंटेनिंग ग्लाइकोजन नाउ दिस इज इट्स करैक्टरिस्टिक माइक्रोस्कोपिक फीचर शीट्स ऑफ हेपैटोसाइड्स कंटेनिंग ग्लाइकोजन क्योंकि इसमें शीट्स होती हैं जो कि ग्लाइकोजन कंटेन करती हैं तो इसमें पोर्टल ट्राइड एब्सेंट होंगे कुफर सेल्स एबसेंट होंगे बाइल डग एबसेंट होंगी और इन लियंस को हम नॉर्मल टिश्यू के साथ सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैप्सूल इनके बाहर एक कैप्सूल चढ़ा होता है एक किस तरह प्रेजेंट करते हैं मैथ मैथ के तौर पर प्रेजेंट कर सकते हैं इंट्रापेरिटोनियल ब्लीडिंग हो सकती है पेन हो सकती है रपच्चर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्योंकि प्रेगनेंसी में और ज़्यादा ईस्ट्रोजन बनता है पहले ये ईस्ट्रोजेंट डिपेंडेंट है ट्यूमर्स कंट्रासेप्टिव पिल्स के साथ इनका रिलेशन है हाईली एसोसिएशन है तो ये प्रेगनेंसी में रपच्चर भी कर सकते हैं डायग्नोसिस किस तरह करेंगे ट्राईफेजिक सीटी स्कैन में करेंगे और इसकी जो इमेज होगी दैट इज गोइंग टू बी सिमिलर टू दैट ऑफ हिपैटोसेलर कार्सिनोमा लेकिन ये थोड़ा लेस वास्कुलर होगा सिटी में सेम होगा लेकिन लेस वास्कुलर होगा अब बायोप्सी करेंगे तो इसमें आ, जो होगा हमें कंफर्म कर सकते हैं ट्रीटमेंट क्या है ट्रीटमेंट में सिंपली इसको रिसेक्ट करेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा बड़ा प्री मेलेग्नेट पोटेंशल है तो इसको सिंपली रिसेक्ट करेंगे अगर तो बहुत ज़्यादा स्मॉल है तो हम पेशेंट कहेंगे ओरल कंट्रासेप्टिव लेना छोड़ दो ये ख़ुद ब खुद रिग्रेस हो जाएगा नेक्स्ट इज फोकल नोड्यूलर हाइपर प्लेजिया एफ एन एच नाउ एफ एन एच इज़ अ सॉलिड बिनाइन लीजन क्योंकि हाइपर प्लेजिया सिंपली बिनाइन है नॉड्यूलर है नोड्यूल सॉलिड सॉलिड्स है सो इट इज़ अ सॉलिड बिनाइन लीजन वुमेन में होगा जो चाइल्ड बिरिंग एज की होंगी अब ये सिंपली कोई हमारे पास ट्यूमर नहीं है इट्स जस्ट अ रिएक्शन टू इंजरी कोई इंजरी हुई वहाँ पर स्कार बन गया सो ये हमारे पास जस्ट रिएक्शन है एक इंजरी का इट इज़ नॉट अ ट्रू न्यूप्लाज अब ये किस तरह मिलेगा हमें रीजनरेटिंग जनरेटिंग नोडियस मिलेंगे और सेंट्रल स्कार मिलेगा सो वेरी इंपॉर्टेंट इसके करैक्ट्रिस्टिक फीचर है रीजनरेटिंग नोड्यूल एंड सेंट्रल स्कारिंग अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो मैथ मिलेगा सी टी इज़ डायग्नोस्टिक सी टी पर हमें क्या मिलेगा इंटेंस होमोजीनस इन्हांसमेंट मिलेगी आर्टीरियल फ़ेज़ के ऊपर और वीनस फेज़ के ऊपर क्या मिलेगा इनविजिबल गायब हो जाएगा वॉश आउट हो जाएगा सो इंटेंस इन्हांसमेंट ऑन आर्टीरियल फ़ेज एंड इनविजिबल ऑन वीनस फेज और क्या मिलेगा एक टिपिकल सेंट्रल स्कार मिलेगा जैसे हमने कहा जस्ट रिएक्शन टू इंजरी तो इसमें स्कार होना मस्ट है स्कार देखने के लिए बेहतरीन चीज़ जो है वो एम है इसके अलावा क्या कर सकते हैं टेक्नीशियम लेबल्ड सल्फ़र का हम स्कैन करवा सकते हैं अब इसमें होगा क्या कि जो एफ है वो टेक्नीशियन लेबल्ड सल्फर स्कैन को पिक कर लेगा लेगिन जो एडनोमा होगा वो कोई एक्टिविटी शो नहीं करेगा सो so, हम एफ एंड एच को सेपरेट कर सकते हैं एडनोमा के साथ विद द हेल्प ऑफ टेक्नीशियम लिवल्ड सल्फर स्कैन या जिसे हम कहें सिंपली टेक्नीशियम सल्फर क्लोयड लिवर स्कैन हमने कहा कि फोकल नोड्यूलर हाइपरपेजी एक जगह के ऊपर ही रहेगा चुप करके फोकल है ठीक है तो इस तरह इसमें इसके अंदर कोई मलेग्नेंट होने का पोटेंशियल नहीं है सो लीजन हैज़ नो टेंडेंसी टू कन्वर्ट इनटू टू मलेग्नेंट वट एसिम्टेटिक लियंस की कोई रिक्वायर ट्रीटमेंट नहीं है और बस इनको ऐसे ही छोड़ दें अगर हेपैटोसेलर कार्सिनोमा की बात करें तो हपैटोसेलर कार्सिनोमा को कहते हैं दिस इज हैपाटोमा दिस इज मोस्ट कॉमन मलिग्नेट ट्यूमर वर्ल्ड वाइड और पाकिस्तान में जो इसने मत बजा के रखी है वो हेपेटाइटिस सी की वजह से अब हेपेटाइटिस सी का जो पेशेंट होता है वो सिरोसिस में चल जाता है और चलते चलते अल्टीमेटली हेपैटोसेलर कार्सिनोमा हो जाता है सो क्रॉनिक लिवर डिजीज यानी सिरोसिस ड्यू टू एनी कॉज इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर हेपैटोसेलर कार्सिनोमा इसके अलावा अगर रिस्क फैक्टर्स बाकी की बात करें तो हेपेटाइटिस सी और बी क्योंकि इन दोनों का क्रॉनिक प्रोग्रेशन होता है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में एफ्लाटॉक्सिन आ सकता है अल्कोहल सिगरेट पेस्टिसाइड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में डायबिटीज़ नेफुल्ड विच इज़ नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज विल्सन अल्फा एल्फा एंटीट्रिप्सिन इम्यून डिसऑर्डर्स में पी बी सीज आ सकते हैं प्राइमरी बिल आ सकता है, है और ऑटो इम्यून हेपाटाइटिस आ सकता है सो अगर क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो फोर्टी परसेंट पेशेंट जो हैं वो एसिम्टेटिक होते हैं एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस बाकी सिम्टम्स क्या हो सकते हैं वीकनेस वेट लॉस मैथ एंड रोकड्रियम रीजन एनीमिया जॉन्डस और पेशेंट जो होगा वो उसकी एज बिटवीन फोटी टू फिफ्टी ईयर्स होगी डायग्नोसिस किस तरह करेंगे अल्ट्रासाउंड ये हमारे पास नॉन इन्वेजिव है इनएक्सपेंसिव है और हाईली एक्यूरेट है अल्फा अल्फाफीटो प्रोटीन देख सकते हैं अब अल्फ़ाफीटो प्रोटीन जो है ना नॉर्मल इसकी वैल्यू होती है 20 नैनोग्राम पर मिलीलीटर ये हेपैटोसेलर कार्सिनोमा में इंक्रीज कर जाती है वैसे अल्फा फीटो प्रोटीन जो है वो आ, सिरोसिस में भी इंक्रीज़ करती है लेकिन जब इसके लेवल 400 से ज़्यादा होना तो इसका मतलब कि ये हाईली सजेस्टिव है हेपैटोसेलर कार्सिनोमा के लिए इसके अलावा सीटी स्कैन करेंगे ट्राई सीटी स्कैन वेल इसको हमने ऑलरेडी देख लिया है कि आर्टीरियल पर स्किन हासमेंट होती है और वीनस फेज पर यह वॉश आउट कर जाता है इस सी स्कैन से हमने क्या देखा है कि जी ट्यूमर का साइज़ क्या है साइड क्या है रिलेशन क्या है विद द वैसल्स वास्कुलर इन्फिल्ट्रेशन हुई है कि नहीं हुई एक्स्ट्रा हेपेटिक डिजीज़ हुई है कि नहीं हुई कहीं बाहर तो नहीं मेट्स चले गए लिवर से बाहर सो ये सारी चीज़ें जो है हम सी पे देख लेंगे इसके अलावा सी स्कैन चेस्ट का भी करवाएंगे और ये ताकि हमारा पूरा वर्कअप जो है कम्प्लीट हो मैट्स को देखें और एम एक ही बात है या सि स्कैन चेस्ट करा लें या एम करा लें सेम इन्फॉर्मेशन दोनों से मिलेगी इसके अलावा टिश्यू डायग्नोसिस बायोप्सी करवा सकते हैं लेकिन 5 परसेंट से कम केसेस में इसकी ज़रूरत होती है वैसे रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स ही बहुत ज़्यादा हैं इनफ है ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच यूज़ करेंगे ट्रीटमेंट डिपेंड करेगा किस स्टेज का ट्यूमर है और क्या सवेरिटी है लिवर डिजीज़ की क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो हिपैटा सेलर कार्सिनोमा होता है वो सिरोसिस के बैकग्राउंड में होता है और हमारे पास क्या स्ट्रेटीज़ हैं वेल सर्जरी कर सकते हैं सर्जरी में लिवर रिसेक्शन या लिवर ट्रांसप्लांट होगा एबलेशन थेरेपी एबलेशन कहते हैं ये जो जगह है इसको जला देंगे किस तरह ऐथानोल इंजेक्शन के थ्रू जिसे हम कहेंगे परकुटेनियस एथनॉल इंजेक्शन या रेडियो फ्रिकुनसी के थ्रू एबलेट कर देंगे जिसे आर एफ ए रेडियो फ्रिकुनसी एबलेशन कहते हैं और क्या कर सकते हैं ट्रांस आर्टीरियल कीमो एम्बोलाइजेशन कर सकते हैं इसमें फैमरल आर्टरी के थ्रू जाएंगे और डॉग्ज और रूबिसिन जो है इंजेक्ट कर देंगे एम्बुलाइज कर देंगे ट्यूमर जो है वो रिग्रेस हो जाएगा उसके अलावा कुछ सिस्टेमिक थेरेपी कर सकते हैं जिसमें हमारे पास आ सकता है सोरेफिनयप अब ये सोरेफिनयप क्या है दिस इज़ अ मल्टी काइनेज इनहिबिटर और ये सिर्फ हमने तब करेंगे जब मेट्स पूरी बॉडी में होंगे जब डिजीज़ सिस्टेमिक होगी तब हम सिस्टेमिक थेरेपी करेंगे या फिर जस्ट सिमटोमेटिक ट्रीटमेंट सो so अगर सर्जरी की बात करें तो सर्जरी में रिसेक्शन आ सकता है या फिर लिवर ट्रांसप्लांटेशन आ सकता है अब हमें कैसे पता चलेगा कि किन के अंदर रिसेक्शन करनी है किन के अंदर ट्रांसप्लांटेशन करनी है वेल well, इसमें हमारे पास दो ग्रुप्स हैं एक वो पेशेंट जिनके अंदर सिर्फ जो है हिपैटोसलर कार्सिनोमा है दूसरा वो ग्रुप जिनके अंदर हिपैटोसेलर कार्सिनोमा है इन द बैकग्राउंड ऑफ सिरोसिस सो अगर पहले ग्रुप की बात करें जिसमें सिर्फ कैंसर है सिरोसिस नहीं है तो इसमें क्या करेंगे लिवर रिसेक्शन करेंगे दिस इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर नॉन सिरोटिक हिपैटोसेलर कार्सिनोमा और लिवर रिसेक्शन करेंगे रिगार्डलेस ऑफ द साइज़ ऑफ ट्यूमर कितना बड़ा है कितना छोटा है बस हमारी दो कंडीशन होनी चाहिए एक ये कि रेमिनेंट थर्टी परसेंट हो यूँ ना हो कि सारा लिवर ही उड़ा दे पीछे कुछ भी ना बच जाए एटलीस्ट थर्टी परसेंट जो है वो बचना चाहिए लिवर और कोई सिस्टेमिक मेट्स ना हो अगर ये दो क्राइटेरिया पूरे हैं तो फिर हम हिपैटोसेलर कार्सिनोमा को रिसेक्ट करेंगे अगर हिपेटोसेलर कार्सिनोमा सिरोसिस के साथ है तो फिर हम लिवर ट्रांसप्लांटेशन करेंगे इसके अलावा कोई ऐसा पेशेंट है जो अर्ली सिरोसिस के साथ आया है और उसका कोई पेरीफरल ट्यूमर है ना वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हिपैटोसेलर कार्सिनोमा नहीं है यहाँ पर सिर्फ स्मॉल पेरीफरल ट्यूमर है सो so, ऐसा पेशेंट जिसका स्मॉल पेरीफ्रल ट्यूमर है और अर्ली सिरोसिस है तो उसमें हम रिसेक्शन की तरफ जा सकते हैं हाउ अगर किसी पेशेंट के अंदर हिपैटोसेलर कार्सिनोमा है तो फिर हम ये नहीं करेंगे क्योंकि हिपैटोसेलर कार्सिनोमा जो होता है ना वो मल्टीफोकल होता है एक से ज़्यादा वो जगहों पे होता है सो अगर हम ये करेंगे तो पेशेंट जो है रिस्क है कि वो एक्यूट लिवर फेलियर के अंदर चला जाए डिकम्पसिटेड लिवर डिजीज़ के अंदर चला जाए रिसेक्शन सिर्फ हम किन कंडीशन में करेंगे पहली बात जब सिरोसिस वेरी अर्ली स्टेज पे होगा जब हम चाइल्ड पुक स्टेज को देखते हैं तो उसमें ए बी सी तीन कैटेगरीज होते हैं जब चाइल्ड पुक स्टेज के ए में फॉल करो अर्ली स्टेज सिरोसिस हो तब हम रिसेक्शन करेंगे रिसेक्शन हम दूसरी बात कब करेंगे जब पोर्टल हाइपरटेंशन ना हो पोर्टल हाइपरटेंशन हमें कैसे पता चलेगा इसाइटिस होगी इसोफेजियल वायरसिज होंगी हिमाटामिसज मैलिना इसाइटिस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया ये सारे सिम्टम जब नहीं आएंगे पोर्टल हाइपरटेंशन नहीं होगी तब हम रिसेक्शन करेंगे तीसरा अगर कोई स्मॉल ट्यूमर है एट द पेरीफरी पे है तब हम रिसेक्शन करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट ट्यूमर में कर सकते हैं स्मॉल पेरीफ्रल ट्यूमर में कर सकते हैं लेकिन हिपैटोसेलर कार्सिनोमा में नहीं कर सकते और चौथी बार रिसेक्शन तब हो सकती है जब हिपैटिक वेज वीनस प्रेशर जो है वो नॉर्मल हो इसके अलावा लिवर ट्रांसप्लांट जो है वो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है जो सूटेबल नहीं है लीवर ट्रांसप्लांट भी सिर्फ तब परफॉर्म कर सकते हैं जब हिपैटोसेलर कार्सिनोम लिमिटेड है अब एक पेशेंट है उसकी पूरी बॉडी के अंदर मैट्स फैले पड़े हैं वास्कुलर इन्वेजन हुई पड़ी है पोर्टल हाइपर के अंदर वो पेशेंट है वहाँ पर भी मैट्स हैं पोर्टल वेन में मैट्स हैंपैटिक वेन में हपैटिक आर्टरी में तो फिर उसमें लिवर ट्रांसप्लांट करने का कोई फ़ायदा नहीं है लीवर ट्रांसप्लानशन की दो शर्तें कोई सिस्टमिक मलिगनसी ना हो पूरी बॉडी के अंदर मैट्स ना फैले हो और दूसरी शर्त वास्कुलर इन्वेजन ना हो तो अगर तो ये दो शर्तें हैं तो फिर हम आ, लिवर ट्रांसप्लांट की तरफ जा सकते हैं अब क्या क्राइटेरिया है लिवर ट्रांसप्लांटेशन का सॉलिटरी लीजन हो और उस लीजन का जो साइज़ है वो 6.5 सेंटीमीटर से कम हो या अगर तीन नोड्यूल्स तक भी हम लिवर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं लेकिन एक शर्त है कि वो तीन नोड्यूल्स, उन तीनों का साइज़ 4.5 सेंटीमीटर से कम हो और अगर हम उन्हें सम अप करें तो 8 सेंटीमीटर से कम टोटल साइज़ है इसके अलावा कोई सिस्टेमिक मेट्स नहीं होने चाहिए कोई वास्कुलर इन्वेजन नहीं होनी चाहिए लिवर ट्रांसप्लांट अगर इस क्राइटेरिया के अलावा करेंगे तो उसकी हाईली रिकरेंस है हिपैटोसलर कार्सिनोमा की इसके अलावा कुछ लोकल एबलेशन थेरेपीज़ कर सकते हैं एबलेशन का मतलब है जला देना सो so इस केस में ट्यूमर को लिमिटेड होना पड़ेगा अगर ट्यूमर लिमिटेड है किसी एक साइड के ऊपर है तो एबोलेशन थेरेपीज़ बेस्ट हैं और ये उन पेशेंट में करते हैं जो सर्जरी के लिए तैयार नहीं है अनफिट हैं या जिनमें ट्रांसप्लाटेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है किस तरह एबलेट कर सकते हैं एथनॉल के जरिए भी और रेडियो फ्रिक्वेंसी भी और टी एस सी ई विच इस ट्रांस आर्टीरियल कीमो एम्बोलेशन सबसे पहले अगर परकुटेनियस एथनॉल इंजेक्शन की बात करें तो एथेनॉल को अल्ट्रासाउंड गाइडेड हम ले जाएंगे ट्यूमर के पास और वहाँ पर इंजेक्ट कर देंगे और ट्यूमर की नेक्रोसिस हो जाएगी ये हम सिर्फ तब करेंगे जब लिस्स बहुत छोटे होंगे दो से तीन सेंटीमीटर के होंगे आउटकम इसकी जो है वो बहुत अच्छी है इसके अलावा रेडियो फ्रिक्वेंसी एबलेशन अब इसमें क्या होगा कि प्रोब होगा और उस प्रोब को हम सी टी या अल्ट्रासाउंड की गाइडेंस में जो है ट्यूमर के पास ले जाएंगे और उस प्रोब में से थर्मल वेव्स निकलेंगी जो कि उस ट्यूमर को जला देगा रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं चाहे सर्जिकल रिसेक्शन करें चाहे रेडियो फ्रिक्वेंसी एबलेषन करें अगर लियन का साइज़ जो है वो फोर सेंटीमीटर तक है तो दोनों में सेम रिज़ल्ट आएगा अब ये प्रोसीजर हम नहीं करते उन केसेस में जो सब कैप्सूलर ट्यूमर है ज़ाहिर है कैप्सूल के नीचे ट्यूमर पड़े किस तरह जला सकते हैं या फिर ऐसे ट्यूमर्स जो कि मेजर वैसल्स या बाइल डक्ट के पास हैं तो हो सकता है कि हम गलती से उन्हें भी जला दें सो इन केसेस में हम रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्बोलेशन नहीं करते उसके बाद ट्रांस आर्टीरियल कीमो एम्बुलजेशन है अब इसमें होता क्या है कि हम फैमरल आर्टरी के थ्रू जाते हैं फैमरल रूट में कैथीटर पास करते हैं हिपैटिक आर्टरी के अंदर और वहाँ पर कीमोथेरेपी करते हैं जिसमें डॉग्ज रूबिसिन जो है वो इंजेक्ट करेंगे आर्टीरियल सप्लाई को और उसके बाद एम्बोलाइज कर देंगे और जितनी वो सप्लाई है उस ट्यूमर की वो स्पेसिफ़िक आर्टरी जो इस ट्यूमर को सप्लाई कर रही थी उस आर्टरी को एम्बोलाइज कर देंगे ब्लॉक कर देंगे और ट्यूमर जो है वो टाइम के साथ साथ आ, नेक्रोस होना स्टार्ट कर देगा ब्लॉक इस तरह करेंगे जेल फोम डाल सकते हैं या कॉइल्स डाल सकते हैं सो हमने पहले रूबिजिन दिया और फिर आर्टरी को ब्लॉक कर दिया विद द हेल्प ऑफ जेल फोम और कॉइल्स तो इस केस ये ये हम उन पेशेंट्स में करेंगे जिनमें इंटरमीडिएट साइज अनरिसेक्टेबल ट्यूमर्स हैं या जिनमें लिवर ट्रांसप्लांटेशन नहीं हो सकती सो so, इसकी वजह से ट्यूमर प्रोग्रेशन जो है रिड्यूस हो जाएगा वास्कुलर इन्वेजन जो है वो भी रिड्यूस हो जाएगी और मीडियन सर्वाइवल रेट जो है पेशेंट का इंक्रीज़ हो जाएगा अप टू ट्वेंटी मंथ्स अब ये बात सारी याद रखनी है कि जितने भी पार्कोटेनियस आथनॉल है रेडियो फ्रिक्वेंसी एबलेन है या ट्रांसाटीरियल कीमो एम्बुलजेशन है ये सिर्फ हम तब करेंगे जब हमारे पास सिस्टामिक डिजीज़ नहीं हैं इसके अलावा सिस्टेमिक डिजीज़ अगर हैं तो फिर क्या करेंगे सिस्टेमिक थेरेपी करेंगे और इसमें कौन सी ड्रग यूज़ कर सकते हैं सोफेरनाइब so ये क्या है मल्टीकाइनियज इन्हेबिटर है और ये सिर्फ तब इफेक्टिव है जब सिस्टेमिकली मेट्स हमारे पास मिले या फिर अनरिसेक्टेबल ट्यूमर हो या फिर अन ट्रांसप्लाटेबल ट्यूमर हो और इसके एसोसिएशन क्या है थ्री मंथ सर्वाइवल बेनिफिट के साथ है और इसके अलावा अगर मेटास्टेटिक नियो प्लाज्मा फ्लेवर की बात करें तो जो लीवर के मैट्स हैं वो ट्वेंटी टाइम्स मोर कॉमन है दैन द प्राइमरी कार्सिनोमा ऑफ लीवर अब मैट्स कहाँ कहाँ से लीवर में आ सकते हैं वेल कोलोरेक्टल कैंसर लिवर में जा सकते हैं ब्रेस्ट से लीवर में आ सकते हैं लंग्स पैंक्रियाज किडनीज प्रेजेंटेशन वही कैंसरस वाली है, फटी, टी वेट लॉस पालपल मैट इन द राइट हाइपोकंडियम रीजन एपिगैसट्रियम डायग्नोसिस किस तरह करेंगे सी ई ए अब ये सी ई ए क्या है दिस इज़ कार्सिनो एम्ब्रियनिक एंटीजन इसके लेवल अगर फाइव नैनोग्राम पर मिली लीटर से ज़्यादा आ जाए तो इसका मतलब कि ये कोलोरेक्टल कारसिनोमा इसके अलावा सी टी करा सकते हैं अल्ट्रासाउंड एम आर आई कराएँगे प्राइमरी लीजन देखने के लिए कोलोनोस्कोपी कराएंगे अगर कोलोरेक्टल कार्सिनोम पेट स्कैन कराएंगे और जहाँ पर ट्यूमर होगा वो हॉट शॉट एरिया में नजर आ जाएगा इसके अलावा अगर लिवर में मैट्स हमारे पास कोलोरेक्टल कार्सिनोमा की वजह से हैं तो इस केस में सर्जरी करेंगे और इसके अच्छे जो हैं वो रिज़ल्ट हैं ओके सो नेक्स्ट इज़ सिंपल लिवर सिस्ट अब सिंपल लिवर सिस्ट जो है ना को इंसिडेंटल फाइंडिंग है हम कुछ और ढूंढ रहे होते हैं अल्ट्रासाउंड पर यह हमें गलती से मिल जाती है अब एक सिस्ट को सिंपल क्यों कहेंगे अगर तो ये थिन वॉल्ड है यूनी लॉकुलर है लॉकुलर का मतलब है कंपार्टमेंट्स लॉक्यूलेशन बन जाती हैं अगर सिर्फ इसमें एक ही कंपार्टमेंट है एक ही यूनी लॉकुलर है थेन वॉल्ड है और वेरिएशन नहीं है इसकी डेंसिटी में जितनी डेंसिटी एक साइड पर उतनी ही दूसरी साइड पर है तो हम इसे कहेंगे दिस इज सिंपल सिस्ट अगर तो सिंपल सिस्ट हमारे पास एसिम्टोमेटिक है कोई तंग नहीं कर रही तो कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे अगर लार्ज है एबडामल डिसकम्फर्ट कर रही है तो इसकी फिर लेपरोस्कोपिक डी रूफिंग करेंगे सिस्ट को हम एस्पायर नहीं करेंगे क्योंकि अगर एस्पायर करेंगे ना तो ये वापस रियकर हो जाएगी सो सिंपली इसकी हम लेप्रोस्कोपिक डी रूफिंग करेंगे इसके अलावा पॉलीसिस्टिक लिवर डिजीज़ होती है ये अब कंजेनेटल इनॉमली है और ऑटोसोमल डोमिनेंट टाइप है अब इसमें क्या होता है पॉलीसिस्टिक बहुत सारी सिस्ट बन जाती हैं लिवर में भी सिस्ट बनेगी किडनी में भी सिस्ट बनेगी पेंक्रियाज़ में भी सिस्ट बनेगी मोस्ट ऑफ द टाइम ये एसिम्टमेटिक होती है और लिवर फंक्शन को इतना अफेक्ट नहीं करती हाँ थोड़ी सी अब डिस्कम्फर्ट जो है वो कर सकती है अगर सवियर पेन है तो इसका मतलब कि सिस्ट के अंदर हैमरेज हो गई है अगर तो एसमटोमेटिक है तो कोई ट्रीटमेंट नहीं सिम्टोमेटिक है तो फिर इसकी फैनिस्टेशन करेंगे लेप्रोस्कोपिकली उसके अलावा एक पायोजेनिक लिवर एप्सिस भी होता है पायोजेनिक मीन्स फॉर्मिंग लिवर एप्स है और मोस्ट कॉमनली ये यूनाइटेड स्टेट्स में मिलता है क्या फैक्टर हैं लिवर एप्स क्यों बनता है वेल बिलरी कॉजेज़ हो सकती हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है बिलरी ट्रैक की पार्शल भी कम्पलीट भी बिलरी ट्रैक में इंस्ट्रूमेंटेशन हमने की है ई आर सी पी की है स्टंट डाला है पी टी सी की हैपैटिकॉस्टमी की है कोई प्रोसीजर किया है बिलरी ट्रैक के अंदर उसकी वजह से भी पायोजेनिक लिवर एप्सिस हो सकता है पोर्टल विनस रूट इसमें अपेंडिसाइटिस आ सकता है आईबीडी आ सकता है इसकी वजह से भी पायोजेनिक लिवर एप्सिस यानी जितने गट से चीज़ें आ रही लिवर में जा रही हैं उस उस रूट से भी हमारे पास फॉर्मिंग बैक्टीरिया वगैरह आ सकते हैं कुछ सिस्टेमिक इन्फेक्शन है फॉर एग्जांपल हेमाटोजीनस स्प्रेड बैक्टीरियल एंडोकार्टाइटस में है नमोनिया में है टूथ इन्फेक्शन है आई ड्रग एब्यूज़र है एच का पेशेंट है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पॉपुलेशन है तो इसमें भी पायोजेनिक पायोजेनिकिवर एप्सिस बन सकता है या फिर हुआ यह है कि को पहले अमेबिक एप्सिस था या हाइडेटिक डिजीज़ थी उसके ऊपर फर्दर बैक्टीरिया आ गया और अब वो चेंज हो गया है बायोजेनिक लिवर एप्सिस में सो सुपर इंपोज इन्फेक्शन भी हो सकती है अमीपिक या हाइड्रेटेड लिवर डिजीज़ के साथ इसके अलावा डायरेक्ट एक्सटेंशन हो सकती है डाइवराब आपके नीचे ऐप्स था दैट वाज सब रैनिक एपसिस एक्सटेंड कर गया और वो पायोजेनिक पायोजेनिकिवर एप्सिस में चेंज हो गया परफोरेटेड अल्सर गैंग्रीनस गाल ब्लैडर सो इन सारे केसेस में एक्सटेंशन हो सकती है और पायोजेनिक लिवर एप्सिस बन सकता है इसके अलावा कुछ इडियोपैथिक कॉजेज़ हैं जो अभी तक नहीं पता चली ट्रोमैटिक कॉजेज़ हैं फॉर एग्ज़ाम्पल लिवर ट्रामा या हमने पेशेंट की रेडियो फ्रिक्वेंसी अपलेशन की या एथनॉल इंजेक्शन दिया और उसके बाद उसको पायोजेनिक पायोजेनिकिवर एप्सिस हो गया सो ये हमारे पास ट्रामेटिक काजेज़ है कॉमन ऑर्गेनिज्म क्या हो सकते हैं स्टैप मलेरिया हो सकता है ई कोलाई स्टेफिकल और स्टैफ्लोकोकाई हो सकते हैं क्लिनिकल फीचर्स में ज़ाहिर है लिवर इन्वॉल्व है तो पेन राइट साइड के ऊपर होगी, राइट हाइपोकडियम हाई ग्रेड फीवर विद राइगर्स। अब जब भी एप्सस होता है या सेप्टिसीमिया होता है तो उसमें फीवर्स और राइगर्स और चिल्स होते हैं इसके अलावा टेकी कार्डिया टेकेप्तियाँ टेंडर सॉफ्ट लिवर मिलेगा जॉन्डस मिल सकता है डायग्नोसिस किस तरह करेंगे ल्यूकोसाइटोसिस डब्ल्यू बी सीजियो होंगे इंक्रीज़ कर जाएंगे एल्कल फॉसफेटेज़ के लेवल जो होंगे इंक्रीज़ कर जाएंगे इसके अलावा अल्ट्रासाउंड और सीटी करवा सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है सीटी के ऊपर तो टिपिकल फाइंडिंग आती है ब्लड कल्चर कराएंगे तो पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स मिल सकते हैं ट्रीटमेंट में इसकी क्या कर सकते हैं आईवी एंटीबायोटिक्स देंगे या फिर पार्कटेनियस एस्पिरेशन करेंगे अंडर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस या फिर जितने भी पॉजिटिव फैक्टर्स हैं उनको ठीक करेंगे अब रिपीट एस्परेशन की भी जरूरत पड़ सकती है अगर सिस्ट जो है रिएक्कर हो रही है इनिशियल एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे कौन सी देंगे जो ग्राम नेगेटिव को कवर करे और एनरोब्स को फिर जब कल्चर की रिपोर्ट आएगी तो हम अपनी एंटीबायोटिक्स चेंज कर लेंगे एंटीबायोटिक्स एटलीस्ट आठ हफ्ते के लिए देंगे एस्पिरेशन और अगर एंटीबायोटिक से फ़र्क नहीं पड़ेगा तो फिर हम सर्जरी की तरफ जाएंगे। सर्जरी ओपन भी हो सकती है लैप्रोस्कोपिक भी हो सकती है सर्जरी की इंडिकेशंस क्या है हमने एस्पिरेशन की फ़ेल हो गई एंटीबायोटिक थेरेपी दी फेल हो गई या फिर कोई ऐसा एब्सेस है, ऐसी जगह पे है जिसको हम पहुंच नहीं सकते उसकी पर ड्रेनेज नहीं कर सकते तो फिर हम ओपन सर्जरी करेंगे या फिर पेशेंट को कोई और एब्डोमिनल डिजीज़ है उसकी सर्जरी होनी होनी है तो चलो लगे हाथों उस सर्जरी के साथ ये सर्जरी भी कर देंगे सो so, को अगर कोई इंट्रा एपडामिनल डिजीज़ की है तो फिर जब पेट खुल ही रहा है तो फिर साथ हम इसकी भी सर्जरी कर देंगे इसके अलावा अमीबिक लिवर एवसस की बात करें तो ये एंटमीबा हिस्टोलिटिका की वजह से होता है ये इन्फेक्शन एंडेमिक है वर्ल्ड वाइड अब एंटमीबा हिस्टोलिटिका की दो दो फेजेस होती हैं जब हम इसे इंजेस्ट करते हैं तो ये वेजिटेटिव फॉर्म में होती है सिस्ट फॉर्म में होती है हम इसे सिस्ट फॉर्म में इंजेस्ट करते हैं स्टमक में जाती है स्मॉल बावल में जाती है और बावल में कलॉन में जाकर ये सिस्ट से ट्रोफोजॉइड बन जाती है फिर ये योफोजाइडस करते किए फ फ्लास्क शेप अल्सर बनाएंगे कुलॉन में इन्वेड करेंगे म्यूकोजा को और फिर पोर्टल सर्कुलेशन के अंदर एंटर हो जाएंगे और लिवर में जाकर लैंड करेंगे लिवर में जाकर नेक्रोसिस करेंगे हेपेटोसाइट्स को पंगा देंगे इनके पास प्रोटीलेटिक एंजाइम्स होते हैं जिसकी वजह से बाद में एब्सेस बनाएंगे अब जो मीबिक एप्सस होता है ना वो राइट साइड के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है क्योंकि पोर्टल वेन जो होती है वो राइट साइड के ऊपर जाकर खुलती है अब एब्सेस कैविटी के अंदर क्या होगा एनकोवी पेस्ट होगा एनकोवी पेस्ट क्या है दिस इज़ अ थिक रेडिश ब्राउनिश पस लाइक मटीरियल सो जो थिक रेडिश ब्राउनिश पस लाइक मटीरियल ऐसे हम कहते हैं कोवी पेस्ट या फिर चॉकलेट सॉस और ये अमेबिक लिवर एबसेस में देखने को मिलता है क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं पेशेंट को फीवर होगा चिल्स और मायलिस अगेन एब्सेस है तो इसमें चिल्स और टाइगर्स होंगे एनोरेक्सिया, वेट लॉस पेन हो गया हाइपोक रीजन में जहाँ पर लिवर होता है मैंटल कन्फ्यूजन होगी और इसके अलावा टेंडर हिपैटो होगी अब देखते हैं कि ये क्लेवर एप्स क्या क्या, क्या शैतानियाँ करता है अगर तो मैट्रोनाजोल दे देते हैं तो ये आ, रिग्रेस कर जाएगा नाइन्टी फाइव परसेंट केसेज है रिग्रेस नहीं होता है तो ये रापचर कर सकता है कहाँ का रापच्चर हो सकता है पेरिटोनियल कैविटी में रॉपचर होगा तो पेरिटोनाइटिस का रहेगा और अगर ये प्लूरल कैविटी के अंदर रापचर होगा तो एम्पाइमा का रहेगा ये लंग्स के अंदर एक्सपेक्ट्रेशन बलगम वगैरह का रहेगा और उस बलगम का कलर जो होगा वो चॉकलेट कलर के होगा जिस तरह कोवी पेस रेडिश ब्राउन इस ब्राउनिस लाइक मटीरियल इस तरह अगर डायग्नोसिस की बात करें तो डब्बू बी सीज इंक्रीज़ कर जाएंगे ल्यूकोसाइटोसिस हो जाएगी एल्कोलाइन फॉस्फेटेज माइल्ड एलिवेशन होगी एंटीबॉडी में डिटेक्ट कर सकते हैं ई कोलाई को और उसके लिए ई आई ए टेस्ट कराएंगे जो कि एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट एसिडिशा कोलाई डिटेक्ट करेगा इसके अलावा सी टी स्कैन करा सकते हैं अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं बोथ आर वेरी सेंसिटिव ट्रीटमेंट में क्या करेंगे मैट्रोनाइडोल देंगे दिन में तीन दफ़ा और दस दिनों के लिए देंगे फिर उसके बाद पेशेंट कहेंगे कि भाई तुमने अपने फॉलोअप सी टी स्कैन या अल्ट्रासाउंड जो है वो कराते रहना और हमें चेक कराते रहना है नीडल एस्परेशन कर सकते हैं एंड दिस इज़ नीडल एब्स एस्परेशन अंडर अल्ट्रासोनिक गाइडेंस अल्ट्रासाउंड गाइडेंस के अंदर हम नीडल जो है वो पास करेंगे और एब्सेस को एस्पायर कर लेंगे अब ये क्यों करेंगे पहली बार लार्ज एब्सेस है तो उसकी एस्परेशन या फिर हमने मेडिकल ट्रीटमेंट दी है मेट्रोनाइडोजोल दी है थ्राइस ए डे फॉर टेन डेज और उसका कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ तो फिर हम क्या करेंगे नीडल एस्परेशन अंडर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस या फिर डायग्नोसिस इस्टैब्लिश करने के लिए हमें नहीं पता चल रहा है सिस्ट कौन सी है सिंपल है मीबिक है काइनोकोकस वाली है हाइड्रेटेड है तो फिर हम उसका थोड़ा सा फ्लूड जो है वो एस्पायर कर लेंगे या फिर सुपरफिशियल एप्सेस है बाहर ही पड़ी है तो फिर उसको नीडल्स एस्पायर कर लेते हैं या फिर लेफ्ट लोब के ऊपर एप्सेस है अब लेफ्ट लोब क्या होता है जब ये रप्चर करता है तो बड़ा गंदा रप्चर करता है पैरिकार्डियम के अंदर जाता है तो लेफ्ट लोब के ऊपर अगर एप्सेस है तो फिर हम उसको भी एक्सपायर करेंगे सर्जरी सर्जरी में हम ड्रेनेज कर सकते हैं सर्जरी क्या इंडिकेशन है वेल जब थिक पास होगी एप्स के अंदर और मल्टी होंगे एक से ज़्यादा चैम्बर्स होंगे तब हम सर्जरी करेंगे लार्ज लेफ्ट लोब है क्योंकि लेफ़्ट वाला हमेशा रप्चर करेगा और पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर जाएगा सो लार्ज लेफ्ट लोब के ऊपर बड़ा सा ऐप्स है तो हम सर्जरी करेंगे या फिर रप्चर्ड एप्सेस है ऑलरेडी फट गया तो फिर भी सर्जरी करेंगे नेक्स्ट इज द हाइड्रेटेड डिजीज़ ऑफ़ द लिवर अब ये क्या है ये बकरियों भेड़ों और कुत्तों वाली बीमारियाँ हैं अब इसमें होता क्या है कि शीप ग्रेजिंग एरिया में होगा और प्रेजेंस ऑफ डॉग्स इसमें जो डॉग्स होंगे ना वो डेफिनेट होस्ट होंगे होते क्यों हैं इकैनोकोकस ग्रैनुलोसिस जिसे हम टेप वम कहते हैं इसकी वजह से होगा एंड इट इज़ फाउंड इन डॉग्स अब होता क्या है इसका लाइफ साइकिल क्या है ह्यूमन शीप कैटल ये इंटरमीडिएट होस्ट है डेफिनेट होस्ट जो है वो डॉगी है सो डी फॉर डेफिनेट होस्ट डी फॉर डॉगी होता क्या है कि कुत्ते की पॉटियों के अंदर इसके अंडे होते हैं इन अंडों को इंसान खा लेता है जब इंसान खाता है तो उसके कलौन के अंदर ही अंडे हैच हो जाते हैं फिर वो उन अंडों से लारवा निकलते हैं लारवा क्या करते हैं पैनीट्रेट करते हैं कलौन की या गट की म्यूकोजा को पोर्टल वेन में चल जाते हैं पोर्टल वेन में से माइग्रेट करके पूरी बॉडी में घूमते हैं हो सकता है लिवर में चले जाएँ सेवेंटी परसेंट टाइम्स हो सकता है लंग्स में चल जाएँ हो सकता है अब कैविटी में चल जाएँ हो सकता है किडनी ब्रेन बोन्स में चल जाएँ और लिवर के अंदर एम्ब्रियज जो हैं वो सिस्ट बनाते हैं सिस्ट के तीन लेयर्स होते हैं सबसे बाहर होती है, है पेरीसिस्ट ये आउटर लेयर है और ये होस्ट से ही डिराइव कर लेता है सो होस्ट ऑर्गन टिश्यूज़ को ही यूज़ करके ये पेरीसिस्ट बनाता है या एडवेंटिशिया बनाता है उसके अंदर होती है एंडोसिस्ट या जिसे लैमिनेटेड लेयर कहते हैं ये थोड़ी बड़ी लैमिनेटेड होती है उसके अंदर होती है जर्म लेयर अब ये वो मेन लेयर है जिसके अंदर वाइबल पैरासाइट्स हैं जर्म लेयर के अंदर क्लियर फ्लूड बनता है जो कि जिसके अंदर प्रेशर होता है 300 हंड्रेड मिली ऑफ वाटर और ये पीछे से ज़ोर लगाती है जब ये जोर लगाती है, जो है ना तो ये प्रेस करके कर रखती है एंडोसिस्ट को पैरेसिस्ट के साथ और क्योंकि जो एंडोसिस्ट होती है वो अपनी सारी न्यूट्रिशन ले रही होती है पैरेसिस्ट के साथ तो ये पीछे से अपना प्रेशर मेंटेन करके रखती है विच इज़ 300 हंड्रेड मिली ऑफ वाटर और ये कंपर और ये दोनों को फ्यूज़ करके रखती है पैरेसिस्ट और एंडोसिस्ट को सो अगर क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो इससे स्मॉल भी हो सकती है ये हाइड्रेटेड लिवर डिजीज़ या हाइड्रेटेड सिस्ट स्मॉल भी हो सकती है लार्ज भी हो सकती है स्मॉल वाली ये सिमटोमेटिक होगी यूजली लार्ज वाली जो कि पेन और डिस्कम्फर्ट करेगी राइट अपर क्वाड्रेंट रीजन में अब सिम्टम्स और सिस्ट के क्या हो सकते हैं डायरेक्ट प्रेशर सिम्टम्स हो सकते हैं इन्फेक्श uh, वाले सिस्टम हो सकते हैं या फिर रपच्चर वाले सिम्टम्स हो सकते हैं अगर तो कंप्रेशन सिम्टम्स देखें तो हाइड्रेटेड लिवर डिजीज़ में क्या होगा क्या क्या कंप्रेस करेगी बाइलडक्ट्स को कंप्रेस कर सकती है पोर्टल वेन को कंप्रेस कर सकती है बाइलडक्ट को करेगी तो ऑब्सट्रक्टिव जॉन्डस होगा पोर्टल वेन या हिपैटिक वेन या इन्फीरियर वेना केवर को कंप्रेस करेगी तो बर्ड कैरी सिंड्रोम हो सकता है या फिर पोर्टल हाइपरटेंशन और अगर सिस्ट की इन्फेक्शन गया तो एप्स लाइक सिम्टम्स होंगे फीवर्स होंगे राइगर्स चिल्स और अगर सिस्ट रप्चर कर करगी पेरिटोनियल कैविटी के अंदर तो एनाफाइलिक शॉक होगा इसके अलावा सिस्ट रप्चर कर सकती है बिलरी ट्री के अंदर जिसकी वजह से कॉले की पेन होगी और जोंडस होगा इसके अलावा रप्चर कर सकती है हार्ट की पेरिकार्डियम के अंदर तो पेशेंट जो होगा वो तो अच्छा खासा टेम्पोनार्ड में चल जाएगा डायग्नोसिस किस तरह बनाएंगे अल्ट्रासाउंड भी करा सकते हैं सी भी करवा सकते हैं अल्ट्रासाउंड इज़ द फर्स्ट लाइन इमेजिंग सी टी इज़ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस सो अगर फर्स्ट लाइन इमेजिंग की बात करें विच इज़ अल्ट्रासाउंड तो इसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन आएगी अल्ट्रासाउंड जो होता है ना ये फ्लूड के लिए बड़ा बेस्ट होता है सो so इसकी लोकेशन साइज मॉर्फोलॉजी सराउंडिंग स्ट्रक्चर सब कुछ अल्ट्रासाउंड पे हमें मिल जाएगा सीटी क्यों कराएंगे वेरी स्पेसिफिक है सेंसिटिव है सीटी में क्या नजर आएगा स्मूथ स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन नजर आएंगे विद सेवरल सेप्टा एंड फ्लोटिंग मेम्ब्रेन अब ये जो सेवरल सेप्टा है ये क्या चीज़ें हैं ये वही लेयर्स हैं पेरीसिस्ट एंडोसिस्ट जर्मिनल लेयर्स सो इसके काफ़ी सेप्टाज नज़र आएंगे इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस सी फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन अल्ट्रासाउंड उसके अलावा एंटीबॉडीज़ करा सकते हैं हाइड्रेटेड एंटीजन और ये लाइजा के थ्रू कराएंगे ईसिनोफिलिया भी पेशेंट में डिटेक्ट हो सकता है सो अगर ट्रीटमेंट की बात करें हाइड्रेटिक लिवर डिजीज़ को हम ट्रीट कैसे करेंगे वेल ट्रीटमेंट हमारे दो गोल्स होने चाहिए पहली बात इसकी इलाजमेंट नहीं होनी चाहिए सिस्ट को और ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए दूसरी बात रपच्चर नहीं होनी चाहिए अब हमारे पास तीन ऑप्शन है या सर्जरी कर सकते हैं जो कि सबसे एफिशेंट है या पार्कोटेनियस एस्पिरेशन कर सकते हैं या थर्ड ऑप्शन है मेडिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं अगर तो ए एसमटोमेटिक स्मॉल सिस्ट है जिनका साइज़ फाइव सेंटीमीटर से कम है तो सिंपल फॉलोअप करेंगे वेट एंड वॉच पॉलिसी है सीरियल अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन करेंगे मॉनिटरिंग करेंगे बस इसी तरह जो कैल्सिफाइड सिस्ट होती है ना वो तो डेड होती हैं क्योंकि जब डेड हो जाती है तो उनके अंदर कैल्सफिकेशन हो जाती है तो इनकी इन डेड सिस्ट को अब हमने क्या करना है तो इनकी भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है सो स्मॉल और कैल्सिफाइड सिस्ट की कोई ट्रीटमेंट नहीं अगर सबसे पहले मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें एबंडा जोल आती है दिन में दो दफ़ा देनी है छः महीने के लिए और इसमें जो सक्सेस रेट है वो अच्छा खासा सेवेंटी परसेंट के अराउंड है अब ये तभी इफेक्टिव है जब सिस्ट जो सिंगल हो सिस्ट के अराउंड कोई सिस्टिक फाइब्रोसिस ना हो क्योंकि अगर सिस्ट के अराउंड फाइब्रोसिस होगी है तो हम कह सकते हैं कि सिस्ट के अराउंड बैरियर बन गया फिर ये ड्रग इतना पेनिट्रेट नहीं करेगी और तीसरी बात डॉटर सिस्ट नहीं होनी चाहिए और अगर डॉटर सिस्ट हुई तो फिर भी ये ड्रग जो है मदर सिस्ट तक सही इतना पेनिट्रेट नहीं करेगी सो so, क्या कंडीशन सिस्ट सिंगल होनी चाहिए पैरिसिस्टिक फाइब्रोसिस नहीं होनी चाहिए और सिस्ट नहीं होनी चाहिए बाकी इंडिकेशन के हम एबेंडाजोल जो है प्री ऑफ भी दे सकते हैं पेरी ऑफ भी दे सकते हैं और पोस्ट ऑफ भी दे सकते हैं वेल प्री ऑफ देंगे प्रोफाइल एक्सिस के लिए सर्जरीज तीन दिन पहले देंगे पेरी ऑफ प्रोफाइल एक्सिस और पोस्ट ऑफ प्रोफाइल एक्सिस देंगे जब हम कंजर्वेटिव सर्जरी करेंगे ये थी मेडिकल ट्रीटमेंट और मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो कंट्रंडिकेटेड है प्रेगनेंसी में प्रेगनेंसी में अबेंडाजोल नहीं देंगे इसके बाद दूसरा ऑप्शन है परकटेनियस ट्रीटमेंट का पारकटेनियस ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी की हेल्प लेंगे डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिसमें से एक है पेयर पी ए आई आर पहले पंक्चर करेंगे फिर एस्पायर करेंगे फिर इंजेक्ट करेंगे अब क्या चीज़ इंजेक्ट करेंगे प्रोटोस्कोलिसडल एजेंट अब ये क्या होता है वैली well, हमारे पास कॉम्बिनेशन है डेटॉल का जिसमें क्लोरहाक्सिडीन आ सकता है आयोडीन पोविओडीन एथाइल अल्कोहल जिसे हम कहें एबसलूट एथनोल और साथ हाइपटोनिक 20 परसेंट सिलाइन सो इस कॉम्बिनेशन इन चार चीज़ों को कहते हैं दिस इज है प्रोटोसकोलिसडल एजेंट यानी ये प्रोटो जो जितने भी प्रोटोजोआज हो होते हैं उनको किल करेगा सो so, इंजेक्ट करेंगे और फाइनली हम री करेंगे फ्लूड को सो पी ए आई आर पंक्चर एस्परेशन इंजेक्शन एंड री एस्परेशन ऑफ फ्लोइड सो ये हमारे पास सिर्फ तब इफेक्टिव है जब यूनिकुलर सिस्ट हो ज़्यादा लॉकुलेशन सिस्ट के अंदर ना बनी हो बस एक ही हो उसके अलावा एरिया एक्सेबल हो किसी ऐसी जगह सिस्ट घुस गई है अंदर वाली जगह पर जहाँ पे हम पहुँच नहीं सकते तो फिर हम ये नहीं कर सकते पार्कटेनियस ट्रीटमेंट उसके अलावा अगर सिस्ट बार बार रीअ करी है कर सर्जरी के बाद तो ये अफेक्टिव है और पेयर शुड नॉट बी अटैम्पटेड इन केस ऑफ सिस्टोबिलरी कम्युनिकेशन सर्जरी सर्जरी इज़ द मोस्ट एफिशिएंट ट्रीटमेंट ये हमारे पास थर्ड ऑप्शन है सर्जरी को डिवाइड करते हैं दो के अंदर कंजर्वेटिव सर्जरी भी है और रेडिकल सर्जरी रेडिकल का मतलब है हमने सब कुछ उखाड़ देना है जो कुछ मिलता जाएगा वो काटते जाना है सो so, सर्जिकल में कंजर्वेटिव और रेडिकल रेडिकल फर्दर दो में डिवाइड है एक है पेरीसिस्टेक्टमी और दूसरा है लिवर रिसेक्शन सो अगर कंजर्वेटिव की बात करें तो इसमें सबसे पहले सिस्ट को खोलेंगे ओपन करेंगे उसके कंटेंट्स जितने हैं उनको निकाल लेंगे इवैक्यूएट कर देंगे फिर क्या देखेंगे कहीं सिस्टो बिलरी कम्युनिकेशन तो नहीं है अगर है तो उसको सूचर कर देंगे फिर क्या होगा क्योंकि अब हमने वो सारे कॉन्टेंट्स जो है वो निकाल लिए हैं पीछे डेड स्पेस है तो वहाँ पर हम ओमेंटा घुसेड़ देंगे उसकी पैकिंग कर देंगे सो ओमेंटल पैकिंग करेंगे इन द रेजिडुअल कैविटी और उस रेजिडुअल कैविटी को हम अनरूव करेंगे ओमेंटा का जो फ्लैप होगा वो पिडांकुलेटेड होगा उसकी ब्लड सप्लाई अच्छी होनी चाहिए और उसको अंदर ठोस देंगे कैविटी के अंदर ताकि जितनी डेड स्पेस है वो ऑब्लिट्रेट हो जाए तो इस तरह जो है ये सारा करने का क्या फ़ायदा है इस तरह हम रिकरेंस ऑफ सिस्ट इसको प्रिवेंट करें सिस्ट बार बार रिया करना हो और बाय लीक ना हो इसके अलावा अगर कंटेमिनेशन हो जाती है पेरिटोनियल कैविटी की तो सीडिंग हो सकती है डोटासिस्ट की और जो सिस्ट है ना वो दोबारा वापस आ जाएगी और जितने सारा हमने काम किया सारा एफर्टलेस होगा सो इस चीज़ को मेक श्योर sure करने के लिए कि कंटेमिनेशन ना हो तो जितना भी सर्जिकल एरिया है उसको हम प्रोटोस्कोलिसडल सोक्ड गोजेज़ के साथ जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं अब यह प्रोटोस्कोलिसिडल एजेंट्स क्या होते हैं भले ये चार चीज़ों का कॉम्बिनेशन है इसमें हाइपोटोनिक सलाइन आएगा विच इज़ ट्वेंटी परसेंट एबसोलूट एथनॉल या एप्सोलूट एथाइल अल्कोहल तीसरा आयोडीन और चौथा डेटोहल जिसे हम क्लोराक्सिडीन कहते हैं इसके अलावा रेडिकल सर्जरी की अगर बात करें तो इसमें हम कंप्लीट रिमूवल सिस्ट का करेंगे अलॉन्ग विद पेरीसिस्टिक पैरनकाइम है उस सिस्ट के बाहर जितना पैरनकाइम है उसको भी साथ उखाड़ देंगे सो दिस इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ हाइड्रेटेड सिस्ट अब रेडिकल सर्जरी जो है इसमें दो चीज़ें आती हैं फर्दर डिवाइडेड है पेरीसिस्टेक्टमी कर सकते हैं या फिर लिवर रिसेक्शन पेरीसिस्ट क्या है इट इज़ कम्प्लीट रिमूवल ऑफ सिस्ट और सिस्ट के बाहर जो पेरीसिस्ट लेयर है ना उसके अराउंड हम सर्जिकल प्लेन जो है वो क्रिएट करते हैं और सिस्ट को खोलते नहीं है कोई डी रूफ नहीं करते बस पूरी सिस्ट को ऐसे ही निकाल लेते हैं यानी सिंपल वर्ड्स में सिस्ट है सिस्ट के बाहर पेरीसिस्ट रीजन है और उसके बाद थोड़ा सा लिवर है ठीक है तो हम यहाँ पर सर्जिकल प्लेन जो है ख़ुद ही क्रिएट कर देते हैं आउटसाइड द पेरीसट लेयर और सिस्ट को ओपन किए बगैर वैसे ही कंप्लीटली रिमूव कर देते हैं नाउ दिस इज द पेरिसिस्टेक्टमी इसके और भी नाम है रेडिकल सिस्टेक्टमी कहते हैं कैप्सुलेक्टमी कहते हैं टोटल पेरिसिस्टेक्टमी कहते हैं एंड सो एंड सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वो जो आउटसाइड द लेयर प्लेन है वो कहाँ से आया वेल यहाँ पर कोई अनेडमिकल प्लेन ख़ुद से नहीं एग्जिस्ट कर होता बिटवीन द सिस्ट एंड द लिवर पैरन कायम है हम खुद क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ हारमोनिक स्कैल्पल अगली बात करते हैं अगर लिवर रिसेक्शन की तो इसको कहते हैं कि रिमूवल ऑफ टोटल सिस्ट विद द सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू और नॉर्मल टिश्यू में क्या आएगा लिवर का टिश्यू होगा तो ऐसी सिस्ट जो कि पैरी के ऊपर होती हैं उनके हम वेज रिसेक्शन करते हैं वेज लाइक एरिया जो है वो रिमूव कर देते हैं सिस्ट भी निकल जाती है साथ हेल्दी टिश्यू भी निकल जाता है इसके अलावा है, हैपाटैक्ट कर सकते हैं राइट और लेफ्ट डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ सिस्ट सो ये तो थी सारी सर्जिकल रिसेक्शन अगर इसकी कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो क्या हो सकता है बिलरी लीक हो सकता है बिलरी फिस्ट्यूला हो सकता है इन्फेक्शन हो सकती है रेजिडुअल कैविटी की कॉलेंजाइटस हो सकता है और कंटेमिनेशन हो सकती है जिसकी वजह से दोबारा सीडिंग होगी और डिजीज़ जो है वो दोबारा रियकर होगी ओके सो नेक्स्ट इज़ लिवर ट्रामा अब लिवर जो है वो लार्जेस्ट ऑर्गन है एबडामिनल कैविटी का रिलेटिवली फिक्स्ड है इसकी वजह से इसको इंजरी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है इट इज़ द सेकेंड मोस्ट कॉमनली इंजर्ड ऑर्गन इन एबडामिनल ट्रामा लेकिन लिवर जो है ना वो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ है अगर इंजरी हो जाए अब लीवर की कॉजेज़ में क्या आ सकता है ब्लंट एबडामल ट्रॉमा आ सकता है किसी को ब्लंट ट्रॉमा हुआ है मोटरसाइकिल से गिरा है या फिर इसमें पेनिट्रेटिंग uh, इंजरीज आ सकती हैं तो उसमें भी लीवर को ट्रॉमा हो जाएगा लीवर ट्रॉमा की क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या हो सकती है पहली बात हेमरेज बहुत ज़्यादा होगी हेमरेज की वजह से ब्लड लॉस हो जाएगा जिसकी वजह से हाइपोवलीमिक शॉक में पेशेंट जा सकता है हाइपोवोलीमिया और पेरेटोनाइटिस हो सकता है सो so, हेमरेज हाइपोवोलीमिक शॉक और इस केस में ब्लड लॉस हाइपोवोलीमिया होगा और पैरेटोनाइटिस डायग्नोसिस किस तरह करेंगे वैल इसमें फास्ट स्कैन कराएंगे फास्ट स्कैन क्या फोकस, है फोकस असेसमेंट सोनोग्राफी इन ड्रामा ये लिक्विड जो है बड़ी अच्छी पिक करता है सो इस केस में ब्लड होगा हीमोपेरिटोनियम होगा तो वो पिक हो जाएगा अब अगर पेशेंट को हमने रिससिटेट किया वो अभी भी हीमोडाइनमिकली अनस्टेबल है तो फिर इस केस में अर्जेंट लैप्रॉड भी करेंगे और अगर पेशेंट को हमने रिससिटेट कर दिया और वो हीमो अब स्टेबल है तो फिर पेशेंट को भेजेंगे अपना कंट्रास्ट इन्हांस्ड सीटी स्कैन कराए सिटी अपडिन भी और सिटी चेस्ट भी इसके अलावा बाकी जितनी एसोसिएटेड इंजरीज हैं उसको भी हम जहन में रखेंगे अब इनिशियल मैनेजमेंट किस तरह करना है ए गाइडलाइन ए बी सी डी ई को फॉलो करना है उसके बाद प्राइमरी सर्वे करना है फिर सेकेंडरी सर्वे यानी हेड टू टू एग्जामिनेशन करनी है फिर डेफिनेट मैनेजमेंट में क्या आएगा एडिकेट रिसस्टेशन करनी है लेकिन जो हीमोडाइनमिकली अनस्टेबल पेशेंट है उनका फ़ौर तुरंत ऑपरेशन करना है उसको डिले नहीं करना इसके अलावा वीनस एक्सेस लेना है यानी आईवी वगैरह पास करना है लार्ज बोर कनोला में एडिकेट एनलजीजिया देना है पेन ना हो उसके अलावा शौक के ट्राइड को देखना है शौक के ट्राइड में तीन चीज़ें आती हैं पहली बात एसिडोसिस होगा दूसरा हाइपोथर्मिया होगा तीसरा कोगोलोपैथी होगी सो इन चीज़ों को अवॉइड करना है वरना इनका मोर्टिलिटी रेट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज अपनी अवेलेबल रखनी है ब्लड प्रोडक्ट्स को जो है अरेंज करके रखना है इसके बाद ये तो थी इनिशियल मैनेजमेंट इसके बाद नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट करनी है वेल नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट का क्या क्राइटेरिया है किन पेशेंट में हम करेंगे पहली बात पेशेंट हिमोडाइनमिकली स्टेबल है तो हम जा सकते हैं नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट की तरफ और या फिर अनस्टेबल था और हमने उसे एक दो लीटर क्लसॉय लगाए और अब वो स्टेबल हो गया अल्टीमेटली पेशेंट स्टेबल है दूसरी बात कोई और एब्डोमिनल इंजरीज ना हो कोई स्प्लिन की ना इंजरी हो साथ कोई और मतलब पैंक्रियाज वगैरह की कोई और एबडामनल इंजरी ना हो एबसेंस ऑफ अदर एबडामनल इंजरीज उसके बाद तीसरा पेशेंट अपने कॉन्शियसनेस में हो चौथा सीरियल एग्जामिनेशन उसके एबडामिन की हो सके सही तरह पाँचवां पेरिटोनाइटिस पेशेंट को ना हो सो so, स्टेबल हो एबसेंस ऑफ अदर एबडामनल इंजरीज हो कॉन्शियसनेस हो सीरियल एग्जामिशन एबडामिन के लिए अलाउ करे और एबसेंस ऑफ पेरिटोनाइटस इस क्राइटेरिया पे तो हम फिर नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट करेंगे जब हम नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट कर रहे हो तो फिर भी जहन में रखना है कि इंट्रा एब्डोमिनल इंजरीज और भी हो सकती हैं लिवर के अलावा जो हम मिस कर सकते हैं इसके अलावा सपोज़ अगर पेशेंट जो है वो हीमोडाइनमिकली अनस्टेबल है और वो हमारे नॉन ऑपरेटिव यानी कंजर्वेटिव क्राइटेरिया के ऊपर नहीं उतरा फिर हम उसे क्या करेंगे एमरजेंसी भेजेंगे आईसीयू में भेजेंगे और फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग कराएंगे इसके बाद उसका कंट्रास्ट इन्हांस सिटी स्कैन करवाएंगे ताकि हम एवेल्यूट uh, करें उसकी इंजरी क्या है और बाकी एसोसिएटेड इंजरीज को रूल आउट करें बाई लीक है तो ईआरसीपी करेंगे ब्लड वैसज लीक है तो एम्बुलजेशन करेंगे इस तरह फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग करेंगे स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट उन पेशेंट्स के लिए होगा जिनके सवियर लैसरेशन है और उन्हें अवॉइड करनी चाहिए विगरस फिज़िकल एक्टिविटी दो से तीन दिन के लिए पक्के पक्के बेड पे होना पड़ेगा उन पेशेंट्स को जिनके अंदर लैसरेशन सवियर है उसके अलावा कॉम्प्लिकेशंस अगर हम कंजर्वेटिवली पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं नॉन ऑपरेटिव किया तो क्या क्या हो सकती है कॉम्प्लिकेशन हो सकता है कि रीब्लीड स्टार्ट हो जाए लिवर की नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाए एप्स फॉर्मेशन हो जाए सूडो एनोरिज्म बन जाए या ए वी फिस्टूला बन जाए ये तो थी सारी कंजर्वेटिव यानी नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट अगर ऑपरेशन की तरफ जाना चाहें तो फिर क्या करेंगे वेल इसका कुछ ना कुछ क्राइटेरिया है पहली बात पेशेंट हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल हो और दूसरा उसमें सस्पेक्टेड लिवर ट्रामा तीसरी बात मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन की हो लेकिन पेशेंट फिर भी हिमोडाइनमिकली अनस्टेबल हो उसमें पैरोटेनाइटस हो या फिर आर्टीरियल ब्लश है सी टी स्कैन के ऊपर और ऑन गोइंग ब्लीड हो जिसकी वजह से पूलिंग ऑफ कंट्रास्ट हो सो so, इस केस में भी ऑपरेटिव मैनेजमेंट की तरफ जाएंगे या फिर पैनिट्रेटिंग ट्रेटिंग ट्रामा हो एसोसिएटेड विद विसरल इंजरीज उसके अलावा और भी इंजरीज हो तो फिर भी हम ऑपरेशन की तरफ जाएंगे अब ऑपरेशन में करेंगे क्या कि मिड लाइन इंसीजन देंगे लेकिन हम सब सबकोस्टल इंसिजन भी दे सकते हैं सिलेक्टिव केसेस में सो जनरल एज अ रूल ऑफ थम हम मिड लाइन इंसीजन देंगे और फिर एक्सप्लोर करेंगे इमिजिएट कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग करेंगे किस तरह कर सकते हैं तीन पी पीए पुश प्रिंगल और पैकिंग पुश में क्या होगा एब ओपन करने के बाद हम देखेंगे कि लिवर में कहाँ से ब्लीड हो रही है और उसके ऊपर डायरेक्ट कंप्रेशन करेंगे उसको जोर से पुश करेंगे ताकि ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए उसके बाद आता है प्रिंगल्स मनोवर प्रिंगल्स प्रिंगल मनूवर एक यूजफुल टेक्निक है एवेल्यूएट करने के लिए और टेम्प्रेरी ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए इस मनोवर में क्या होगा कि जो पोर्टल ट्राईड है उसको कंप्रेस करेंगे कहाँ पे कंप्रेस करेंगे एट फोरामैन ऑफ विंसलो सो अगर कोई प्रिंगल मनोवर पूछे तो क्या है इट इज़ पोर्टल ट्राईड कंप्रेशन ऐट फोरामैन ऑफ विंसलो किस तरह कंप्रेस करेंगे वास्कुलर स्लिंग से या सॉफ्ट क्लैम्प की वजह से अब जिन पेशेंट के अंदर एक्सटेंसिव हैपैटिक इंजरीज होंगी उन पेशेंट्स के अंदर ये जो प्रिंगल्स मनोवर है ये डिफ्रेंशिएट करेगामरेज है कहाँ से हो रही है अगर तो हेमरेज हुई हमारे पास हिपैटिक आर्टरी और पोर्टल वेन की तो ये रुक जाएंगी प्रिंगल्स मनूवर पे और अगर हमारे पास ब्लीडिंग हो रही हो तो हपैटिक वेन से या इन्फीरियर वेना के वैसे तो ये नहीं रुकेंगी सो अगर तो हम प्रिंगल्स मनूवर अप्लाई करते हैं और जो ब्लीडिंग हैमरेज है वो रुक जाती है इसका मतलब हैमरेज या हिपैटिक आर्टी से हो रही है या फिर पोर्टल वेन से हो रही है तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम क्या होता है कि हम पुश करते हैं और प्रिंगल्स में नूवर करते हैं ब्लीडिंग जो होती है वो स्टॉप हो जाती है और जैसे ही ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है हम कह सकते हैं कि पेशेंट जो है हीमोडाइनमिकली स्टेबल है फिर उसके बाद में हम डेफिनेट सर्जरी करते हैं लैसरेशस को हम केयरफुली सूचर करते हैं तो अगर पैकिंग की बात करें तो पैकिंग डिफ्यूज़ पैरन कायमल इंजरी में बड़ी लाइफ सेविंग हो सकती है हम क्या कर सकते हैं पेशेंट को जल्दी से पैक कर सकते हैं और फिर ट्रांसफ़र कर देंगे किसी हिपैटो या लिवर ट्रांसप्लांट सेंटर में अब पैकिंग किस तरह करते हैं जो डायाफ्राम की सरफेस होती है डाईफ्रेगमेटिक सरफेस उसके अंदर हम ठूस देते हैं बड़े बड़े लार्ज फोल्ड लेप्रोटमी पैक्स सो वी इंसर्ट लार्ज फोल्ड लेप्रोटमी पैक्स इनटू ओवर द डाफ्रेगमेटिक सरफेस और इसकी वजह से टैम्पू नॉट अफेक्ट आता है ये पुश करते हैं जोर लगाते हैं कितने पैक्स डालते हैं छः से दस के करीब पैक्स जो होंगे वो डालेंगे बिटवीन द लिवर एंड थोड़ा केज इन लार्ज फोल्ड एप्रोटमी पैक्स को इतनी ज़ोर से भी नहीं ठोसना कि जहाँ पे फ्रैक्चर हो और ये इंजरी को और ज़्यादा एक्सटेंड कर दे बस अंदर ना अच्छी तरह उसको क्लॉक कर देना है अंदर घुसाड़ देना है अब एबडामनल कंपार्टमेंट सिंड्रोम इसको भी हम जहन में रखेंगे और इसको अवॉइड करेंगे ड्यूरिंग पैकिंग ज़्यादा नहीं कसना वरना एबडामिनल कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो सकता है फिर छत्तीस से अड़तालीस घंटे के बाद इन पैक्स को जो है रिमूव कर देंगे और चेक करेंगे कि ब्लीडिंग जो है वो रुक गई है कि नहीं टोटल वैस्कुलर एक्सक्लूजन आ सकता है उसके अलावा लिवर ट्रांसप्लांटेशन आ सकता है अब अगर सबसे पहले सेलेक्टिव वास्कुलर रिपेयर की बात करें तो इसमें जितनी वैसल्स उन्हें रिपेयर करेंगे फॉर एक्जाम्पल अगर पोर्टल वेन डैमेज है तो उसको रिपेयर कर देंगे हिपैटिक आर्टरी डैमेज है तो उसको रिपेयर कर देंगे हिपैटिक आर्टरी को हम लाइगेट भी कर सकते हैं इसके अलावा अगर बिलरी इंजरीज है तो उन्हें मैनेज कर लेंगे कोलिसस्टेक्टमी हम तब करेंगे जब हम लाइगेशन करेंगे कॉमन हिपैटिक आर्टरी की राइट हिपैटिक आर्टरी की या हमने पहले प्रिंगल्स मनूवर परफॉर्म किया है किसी भी स्टेज में सो so अगर ये तीन काम किया है कॉमन हेपैटिक आर्टरी को लेगेट किया है हेपैटिक राइट हेपैटिक आर्टरी को लेगेट किया है या फिर प्रिंगल्स मनूवर किसी भी स्टेज में परफॉर्म किया है सो so इस कैटेगरी में हम कोलिसटेक्टमी भी करेंगे क्योंकि इसमें जो होगा बाइल स्टेसिस हो जाएगा उसके अलावा नॉन नेटमिकल लिवर रिसेक्शन में क्या है वेल well, वेज रिसेक्शन ये हम तब करेंगे जब डेड और नेक्रोटिक टिश्यूज़ होंगे और ये हम फर्स्ट लेपरॉटमी में भी कर सकते हैं या फिर सेकंड स्टेज में भी जब हम हमने पैक्स डालने के लिए छत्तीस और अट्ठतीस घंटे बाद दोबारा इंसिजन देकर उन पैक्स को रिमूव करना था ना तब हम ये नॉन अनेटमिकल लिवर रिसेक्शन भी कर सकते हैं इसमें रिसेक्शन किस तरह के होंगे वेज शेप्ड होंगे उसके बाद अनैटमिकल लिवर रिसेक्शन ये भी कर सकते हैं इसमें रिसेक्शन जो होंगे वो सेगमेंटल अनोटमी की तरह होंगे जिस तरह हमारे पास कुनाट सेगमेंटल अनोटमी है वो जो सेंट्रल uh, में मिडल हिपेटिक वेन आती है वो लेफ्ट और राइट में डिवाइड करती है फिर पोर्टल वेन होती है वो अपर और लोअर में डिवाइड uh, करती है और इस तरह सेगमेंट्स बनते हैं सो so, अगर इसमें से किसी एक सेगमेंट को निकाल देंगे दिस इज़ कॉल्ड एनाटमिकल सेगमेंटल रिसेक्शन अब ये जो एनाटमिकल रिसेक्शन होगी ये सिर्फ एक्सपीरियंस सर्जन करेगा किसी नाड़ी के हाथ देंगे तो हाई मोर्टेलिटी रेट है और कितने सेगमेंट्स निकालने हैं कितने हिस्से निकालने हैं ये डिपेंड करता है इंजरी कहाँ पे हुई है किस साइड के ऊपर हुई है उसके बाद टोटल वास्कुलर एक्सक्लूजन है वेल ये हम यूज़ करेंगे ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए अब इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो उन्हें हम ब्लॉक कर देंगे ताकि वास्कुलर एक्सक्लूजन हो जाए फॉर एग्ज़ाम्पल रीट्रोहेपैटिक जो वेना के वे और जो ब्लीडिंग हेपेटिक वेन है इनसे हम ब्लीडिंग कंट्रोल करेंगे इसमें करेंगे क्या कि लिवर को सबसे पहले मोबिलाइज़ करेंगे उखाड़ देंगे उसके जितने भी सपोर्टिंग लिगामेंट्स हैं उन्हें काट देंगे लिवर फ्री हो जाएगा फिर हम कंप्लीट वास्कुलर ऑक्लूजन करेंगे लिवर की लिवर की कहाँ कहाँ से जो है वो वास्कुलर सप्लाई आ सकती है हो सकता है इंफीरियर वेनाकेवा से है हो सकता है हैपैटिक आर्टरी से है हो सकता है पोर्टल वेन्स से है सो इसको कंप्लीटली ऑक्लूड कर देंगे करेंगे क्या कि इनफ्लो को हम ऑक्लूड करेंगे इनफ्लो कहाँ कहाँ से आ रहा है हेपैटिक आर्टरी और पोर्टल वेन इन दोनों को जो चीज़ बंद करने वाली है दैट इज़ गोइंग टू बी प्रिंगल्स मनोवर जब हम प्रिंगल्स मनोवर करेंगे तो हेपैटिक आर्टरी पोर्टल वेन ब्लॉक हो जाएंगी इसके अलावा इनफ्लो में इन्फीरियर वेनाकेवा भी आती है सो इन्फीरियर वेनाकेवा अबव द रीनल वेन इसको हम एट द लेवल ऑफ डायफ्राम इसको भी हम जो है वो ब्लॉक कर देंगे किस तरह ब्लॉक करेंगे वैस्कुलर क्लैम्प्स लगाएंगे एंड दीज आर नॉन ड्रोमैटिक वास्कुलर क्लैम्प्स सो इन अनशल हमने तीन वैसल्स को ब्लॉक कर दिया इन, इन्फीरियर वेनाकेवा और प्रिंगल्स मनूवर के थ्रू हिपैटिक आर्टरी और पोर्टल वेन को इस टेक्निक से होगा क्या कि ब्लड फ्री फील्ड मिल जाएगी हमें और जितनी इंजरीज़ इन्फीरियर वेना कैवा के नीचे हैं उनको हम इजीली जो है डील कर सकते हैं और हिपैटिक वेंस के जो बार बार आती हैं क्योंकि हमने इन दोनों को ब्लॉक किया हुआ है सो ये ब्लीड नहीं करेंगी तो बाकी जितनी एसोसिएटेड इंजरीज है उन्हें हम डील कर सकते हैं अब जब इन तीनों वेंस को हमने ब्लॉक किया है वास्कुलर क्लैम्स लगाए हैं तो उसकी वजह से वाम इस्कीमिया लिवर के ऊपर आ गया और ये पैंतालीस मिनट तक का हमें टाइम मिल गया कि हम अच्छी तरह डील कर लें उसके अलावा लिवर ट्रांसप्लांटेशन सवियर डैमेज में हम ये लीवर ट्रांसप्लांटेशन की तरफ जा सकते हैं अब लीवर ट्रांसप्लांटेशन की दो शर्तें हैं पहली बात पेशेंट हीमोडाइनमिकली स्टेबल होना चाहिए दूसरी बात कोई डोनर तो होना चाहिए जो लीवर दे सो so, लीवर ट्रांसप्लांट भी हम बड़े ही किसी एक्सपर्ट या एक्सपीरियंस्ड हेपैटोबिली सर्जन के हाथों से करवाएंगे अगर किसी नाड़ी को देंगे तो हाई मोर्टेलिटी रेट होगा सो इन सिंपल वर्ड्स अगर हम देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा सवियर डैमेज हुई है और इसकी लिवर ट्रांसप्लांटेशन होनी है तो हम क्या करेंगे पहले पेशेंट आएगा जल्दी से उसकी इनिशियल मैनेजमेंट कर देंगे पैक कर देंगे और ये सेफेस्ट वे है कंट्रोल करने का ब्लीडिंग को फिर हम उसको रेफ़र कर देंगे अब कॉम्प्लीकेशन क्या हो सकती है ऑपरेटिव ट्रीटमेंट की जो हमने सारी ऑपरेशन की हैं जिसमें पुष प्रिंगल पैकिंग और डेफिनेट प्रोसीजर्स इन सारों की क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है वेल हैमरेज हो सकती है एप्स बन सकते हैं फिस्टूला बन सकते हैं स्ट्रिक्चर्स बन सकते हैं सूडो एनरिज्म बन सकते हैं फिस्टूला में ए वी फिस्टूला बन सकते हैं बिलियोवेनस फिस्टूला बन सकते हैं लिवर फेल हो सकता है और हीमोबिलिया हो सकता है अब प्रोग्नोसिस हाईली वेरिएबल है डिपेंड करते हैं इंजरी किस तरह की सवियर है इंजरी है, को कितना टाइम हो गया है इंजरी के साथ एसोसिएटेड इंजरीज कौन सी हैं और एक्सपर्ट डॉक्टर था कि अनाड़ी था सो अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपर्टीज भी डिटर्मिन करता है कि प्रोग्नोसिस कैसा है नेक्स्ट इस पोर्टल हाइपर टेंशन इज ऑल्सो नोन एज वेरी सिल होता क्या कि पोर्टल वन जो होती है वो स्प्लिनिक और सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन से मिलकर बनती है सुपीरियर मेजेंटेरक ऊपर जा रही होती है उसको आकर ज्वाइन करती है स्प्लिनिक वेन और फिर इन दोनों की फ्यूजन से जो वेन बनती है दैट इज़ पोर्टल नॉर्मल इसके अंदर प्रेशर होता है फाइव से एट मिलीमीटर मरकरी का जब प्रेशर राइज कर जाता है 10 से ट्वेल्थ तक चल जाता है तो हम कहते हैं दिस इज पोर्टल हाइपर ये क्यों होता है सिरोसिस में हो सकता है बीसीएस पढ़ के और रिसिंडो में हो सकता है पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस में हो सकता है अब होता क्या है जब इसमें हाइपर टेंशन होती है तो इसके साथ साथ छोटी कोलेट्रल्स होती हैं ये जो कोलेट्रल्स होती हैं ये पोर्टल सिस्टम से लेकर सिस्टेमिक सिस्टम system में शंट करती हैं सो so इन्हें कहते हैं पोर्टो पोर्टोवीनस शंट्स या सिस्टम्स तो ये डायलेट कर जाती हैं सो so जब ये डायलेट करती हैं तो उन्हें हम कहते हैं इसोफेगल वैरिसज ये डाइवर्ट करती हैं पोर्टल वेन से सिस्टेमिक वन्स के अंदर सो so ये कोलेट्रल्स कहाँ पर मिलती हैं ये कोलेट्रल्स मिल सकती हैं गैस्ट्रो इसोफेगल जंक्शन के ऊपर इसी तरह रेक्टल एरिया में भी मिल सकती हैं और ये बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल होती है और ये ब्लीड करती हैं जिसकी वजह से मैसिव अपर जी ब्लीड होती है उसकी वजह से हिमाटास और मैलना होता है अब इसकी मैनेजमेंट किस तरह करेंगे सबसे पहले जनरल रिससिटेशन आईवी डालेंगे वीनस एक्सेस लेंगे और अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा ब्लीड कर रहा है तो उसको फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा ब्लीडिंग क्यों करता है पेशेंट क्योंकि उसका लिवर सिरोसिस में चला गया जितने उसने को फैक्टर्स बनाए हैं वो सारे फारिग हो गए हैं तो पेशेंट ब्लीडिंग करेगा उसको हम ट्रीट करेंगे फ्रेश फ्लोजन प्लाज्मा देके के उसे करेक्ट कर देंगे अर्जेंटली जल्दी से उसकी एंडोस्कोपी करेंगे ये देखने के लिए कि ब्लीडिंग वाकई ही ईसोफेजियल वैरिस से आ रही है क्योंकि अपर जी आई ब्लीड का जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो पैप्टिक अल्सर डिजीज़ है सो गैस्ट्रिक अल्सरेशन को देखेंगे कोई परफोरेटेड अल्सर तो नहीं है वाकई ही ये ईसोफेगियल वायरसिस से ब्लीड आ रही है एक दफ़ा कन्फर्म कर देंगे तो फिर क्या करेंगे एंडोस्कोपिक सेक्लैरो या बैंडिंग करेंगे अब वही जो एंडोस्कोप डाली है उसके थ्रू हम सेक्लोरोजिंग एजेंट जो है वो इंजेक्ट कर देंगे सेक्लोरोजिंग एजेंट क्या हो सकते हैं एथनोलामीन हो सकते हैं या ब्यूटाइल साइनोएक्रालेट हो सकते हैं ये अराउंड द वेरिस जब हम इंजेक्ट करेंगे तो ख़ुद ब खुद इसकी सेक्लोरोजिंग स्टार्ट हो जाएगी और ब्लीडिंग जो है वो रुक जाएगी इसके अलावा और क्या कर सकते हैं बैंड बैंडिंग कर सकते हैं बैंड लाइगेशन कर सकते हैं वेरिसिस की अर्ली रीब्लीड जब होगा तो उसमें रिपीट सेक्लोथेरेपी कर सकते हैं लेकिन जब तीसरी दफ़ा ब्लीड होगा तो फिर स्क्लेरोरेपी इनफेक्टिव है उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है अब जो ये जो एंडोस्कोपिक प्रोसीजर है जिसमें हमने स्क्रोथेरेपी की या बैंड लाइगेशन की इसमें एटी परसेंट जो एक्टिव ब्लीड वो रुक जाती है इसके अलावा कुछ ड्रग्स दे सकते हैं ड्रग्स जो हैं ये भी इक्वली इफेक्टिव है जस्ट लाइक स्क्रोरेपी और कौन सी ड्रग्स हो सकती हैं वेजोप्रेसिन हो सकती है ऑक्ट्रीटॉयड वगैरह हो सकती हैं दे रिड्यूस पोर्टल प्रेशर इसके अलावा बलूड टेम्पोनाड हो सकता है अब इस प्रोसीजर को यूज़ करते हैं ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए अगर एंडोस्कोपिक या ड्रग थेरेपी फेल हो जाए या पेशेंट को सवियर हैमरेज हो तो इस केस में बलूड टेम्पोनाड की तरफ हम जा सकते हैं अब इसमें होगा क्या सेंक्सटेकन ब्लैक मोर कैथेटर जो है वो हम यूज़ करेंगे इंसर्ट करेंगे ताकि टेम्प्रेरी हमें हीमोस्टेसिस मिल जाए इस कैथेटर में क्या होगा गैस्ट्रिक और ईसोफेजल बलून होगा और चैनल्स होंगे गैस्ट्रिक और इसोफेजल एस्परेशन के सो so, दो चैनल्स हैं और दो बलूनस हैं गैस्ट्रिक बलून ईसोफेजल बलून गैस्ट्रिक चैनल और ईसोफेजल चैनल चैनल्स का क्या काम है ये एस्पायर करेंगे अब सबसे सब पहले गैस्ट्रिक बलून को हम इन्फ्लेट करेंगे 300 हंड्रेड mm मिलीमीटर इसमें एयर डालेंगे इनफ्लेट करके इसको हम वापस अपनी तरफ रिट्रैक्ट करेंगे खींचेंगे ताकि गैस्ट्रिक के फंडस में जाकर अटक जाए फंस जाए और वहाँ पर यह कंप्रेस करना स्टार्ट कर दे फिर ईसोफेजल बलून को फुलाएंगे और उसमें प्रेशर फो मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक जाएगा और इस तरह जो है इन दो बलूनस की वजह से हम प्रेशर डालेंगे और ब्लीडिंग जो होगी वो रुक जाएगी अब ये 12 घंटे ज़्यादा नहीं करके रखना है इसके बाद प्रेशर नेक्रोसिस ईसोफेगस की स्टार्ट हो जाएगी नेक्स्ट इज ट्रांस जुगुलर इंट्रापैटिक पोर्टोसिस्टामिकर्ट्स विच इज़ ऑल्सो नोन एज टिप्स ये हमारे पास मेन ट्रीटमेंट है तब जब हमने ड्रग्स दी ऑक्ट्रोटाइड और वेजोप्रेसन कोई फ़र्क नहीं पड़ा फिर हमने एंडोस्कोपी की स्क्लेरोथेरेपी की कोई फ़र्क नहीं पड़ा फिर हम क्या करेंगे टिप्स करेंगे इसके बाद और क्या कर सकते हैं सर्जिकल शर्ट्स कर सकते हैं फॉर वेरीसियल हेमरेज सर्जिकल शर्ट्स जो है ये काफ़ी ओल्ड तरीका है आजकल जो है लिवर ट्रांसप्लांट आई हुए हैं टिप्स आए हैं इसको इतना ज़्यादा नहीं करते वैल इसमें करते क्या हैं कि री को हम सिंपली प्रिवेंट करते हैं इसमें शंटिंग करते हैं सो so, जब हमने शंटिंग की है तो ब्लड फ्लो जो है वो डाइवर्ट कर दिया अपने पोर्टल वेन से टूवर्ड्स सिस्टेमिक वेन्स। सो हाई प्रेशर पोर्टल वेन से सारा ब्लड अब चला गया लो प्रेशर सिस्टेमिक वेन्स में ये शर्ट्स जो है सिलेक्टिव भी हो सकती है नॉन सेलेक्टिव भी सिलेक्टिव की बात करें तो इसमें स्प्लिनो रीनल यानी स्प्लिनिक वेन को हम नेस्ट मोस कर देंगे रीनल वेन के साथ नॉन सेलेक्टिव है तो पोर्टो केवल इसमें पोर्टल वेन को हम नेस्ट मोस कर देंगे इन्फीरियर वेना केवल से इस तरह जो है वो लिवर को बाईपास कर देंगे और पोर्टल प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा इसके अलावा ईसोफेजल स्टेपलर ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं अब इसमें क्या होगा कि जो ईसोफेगस का लोअर एंड है जिसके अंदर वायरसिज होते हैं उसको ट्रांजेक्ट कर देंगे यूजिंग अ स्टेपलर लेकिन इसके साथ बड़े हाई पेरी ऑपरेटिव मोटेलिटी का रेट है सो हम इसको ज़्यादा नहीं करते और अगर इसमें स्प्लिनिक वेन थ्रोम्बोसिस है तो स्प्लिनक्टमी की भी जरूरत पड़ेगी नेक्स्ट और फाइनल अल्टीमेट लिवर ट्रांसप्लांटेशन ये डेफिनेट ट्रीटमेंट है वेरिसल ब्लीडिंग की विच इज़ एसोसिएटेड विद लिवर सिरोसिस लिवर सिरोसिस हो गया पोर्टल प्रेशर uh, जो इंक्रीज़ करके वेरेसिल ब्लीड हो गया है so सो केस में लिवर ट्रांसप्लांटेशन अब ट्रीटमेंट ऑफ असाइटिस अब पेशेंट को अगर सिरोसिस है उसके बाद उसकी सैटिस हो गई हैं तो फिर क्या क्या कर सकते हैं पहली बात सॉट की रिस्ट्रिक्शन सॉल्ट नहीं खाना डायरेटिक्स देंगे ताकि उसकी साइटिस जो हैं वो ख़त्म हो जाए एबडामिनल टैप करेंगे इस जिससे हम कहेंगे एबडामिनल पैरासेंटिस इसके अलावा पेरीटोनियोवीनस शांट्स कर सकते हैं टिप्स कर सकते हैं और लिवर ट्रांसप्लानशन कर सकते हैं नेक्स्ट इज़ अ बर्ड कैरी सिंड्रोम अब बर्ड कैरी सिंड्रोम क्या होता है जब हिपैटिक वेन ब्लॉक हो जाती है तो प्रेशर पोर्टल वेन में अच्छा खासा इंक्रीज़ हो जाता है दिस इज बर्ड कैरी सिंड्रोम दट इज कॉल्ड बाई द ब्लॉकेज ऑफ वीनस ड्रेनेज ऑफ़ लिवर दैट इज़ बिकॉज ऑफ वेन थ्रोम्बोसिस और पोर्टल प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि लीवर कंजेस्टिड हो जाता है और अल्टीमेटली उसकी सिरोसिस हो जाती है अब कॉर्डेड लोभ जो है लीवर का वो अनएफेक्टेड रहता है क्यों क्योंकि इसकी अपनी ड्रेनेज जो है वो इन्फीरियर वेनाकेवर के साथ है ये जो बढ़ गया रिसिंड्रोम है ये बाकी कंडीशन के साथ भी एसोसिएटेड हो सकता है फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोकागुलेंट स्टेट जिसकी वजह से थ्रोम्बोसिस हुई हो और हिपैटिक वेन जो है वो ब्लॉक हो गई हो इसके अलावा एंटी थ्रोबिन थ्री प्रोटीन सी प्रोटीन एस डेफिशेंसी तो इन सारों की वजह से प्रोकागुलेंट स्टेट जो है वो बन सकती है सी टी स्कैन कराएंगे तो लिवर में कंजेस्ट नज़र आएगी या फिर सिरोटिक लिवर मिल सकता है क्वारडेड लोब जो है वो इलाज मिलेगा हाइपर होगा और डायग्नोसिस हम कन्फर्म करेंगे हिपेटिक वेनोग्राफी में जो क्या बताएगा हिपैटिक वेन की ओक्लूजन यानी अगर डॉपलर कराएंगे तो उसके अंदर फ्लो जो है वो नहीं मिलेगा डायग्नोसिस अर्ली होगा तो डेवलपमेंट ऑफ लिवर सिरोसिस नहीं होगा जैसे जैसे लेट हो जा जाएगा तो लिवर सिरोसिस में चलता जाएगा इसकी ट्रीटमेंट किस तरह कर सकते हैं टिप्स के साथ या मीजो शंट्स के साथ लेकिन फॉर एग्जांपल कोई ऐसा पेशेंट है जो बी का था और आप उसका लिवर सिरोसिस में चला गया सो तो इस केस में हम लिवर ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं नेक्स्ट वी हैव प्राइमरी सेक्लोरोजिंग कोलेंजाइटस प्राइमरी सेक्लोरोजिंग कोलेंजाइटस जो है ये मेल्स को ज़्यादा अफेक्ट करता है कॉलिस्टेटिक डिसऑर्डर है एटियोलॉजी है इसमें प्रोग्रेसिव फाइप्रोसिंग होगी और बायल डक्ट्स की ओबलीट्रेशन होगी इंट्रा और एक्स्ट्रापैटिक दोनों बाइल डक्ट्स होंगी इफेक्ट होंगी मेल्स को ये ज़्यादा अफेक्ट करेगा प्रेजेंटेशन क्या है एलिटेड अल्कोला इनफॉसफटेज के साथ प्रेजेंट करेगा और ये कर, ये जो है ये एसोसिएटेड है अल्सरेटिव क्लाइटस के साथ इवन के अगर कुलौन को हम रिमूव कर दें फिर भी प्राइमरी सेक्लोरोसिक कोलेंजाइटस जो है वो प्रोग्रेस करता जाएगा इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस के ई आर सी पी और एम आर सी पी जिसमें क्या नजर आएगा इरेगुलर नैरो इंटरहेपैटिक बाइल डट्स क्योंकि उनकी डिस्ट्रक्शन हुई पड़ी है अब पी एस सी के साथ कोलियनजी कार्डसिनोमा बहुत बहुत ज़्यादा कॉमन है तो इसकी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है और हम प्रोग्रेशन को स्टॉप भी नहीं कर सकते अल्टीमेटली सिरोसिस होना ही होना है सो so, अगर लिवर सिरोसिस हो गया तो हम क्या करेंगे लिवर ट्रांसप्लांटेशन करेंगे एंड नाउ दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस टेम्परेरी रिलीफ दे सकते हैं बाय द बिलरी स्टन्टिंग इसके अलावा प्राइमरी बिलरी सिरोसिस ये जो कंडीशन है ये फीमेल्स में ज़्यादा है इसमें सिर्फ इंट्रापैटिक बाइलडक्स जो हैं वो अफेक्ट uh, होंगी और इसमें एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज़ जो हैं वो भी मिलेंगी फीमेल्स प्रेजेंट करेंगी मैलेज लेथार्जी, प्रोराइटस, इचिंग के साथ डायग्नोसिस किस तरह बनाएंगे एंटी स्मूथ मसल एंटीबॉडीज़ मिलेंगी और इसके अलावा साथ एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज़ मिलेंगी कन्फर्मेशन किस तरह करेंगे बायोपसी पर ट्रीटमेंट किया है लिवर ट्रांसप्लान एंड फाइनली वी हैव कारोलिस डिजीज़ अब ये क्या है दिस इज़ कंजैनिटल डायलिटेशन ऑफ एंट्रापैटिक बिलरी ट्री जिसकी वजह से इंट्रापैटिक बिलरी स्टेसिस हो जाएगा जब स्टेसिस हो जाएगा तो बाइल स्टोन्स बनेंगे और उसकी वजह से पेशेंट अल्टीमेटली बिलरी सेप्सिस में चल जाएगा सो एस वाली चीज़ें इसमें याद रखनी है बिलरी स्टेसिस बिलरी स्टोन एंड बिलरी सेप्सिस इसकी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जो है वो नहीं है हाँ ऑब्स्ट्रक्टिव बाइल को हम ड्रेन कर सकते हैं रेडियोलॉजिकली इन्फेक्टिव एपिसोड्स को ट्रीट कर सकते हैं एंटीबायोटिक्स के साथ अगर कोई एक पार्ट या एक सेगमेंट लीवर का इन्वॉल्व है तो हम उसको रिसेक्ट कर लेंगे और लिवर ट्रांसप्लांटेशन करेंगे अल्टीमेटली अगर ये डिज़ीज़ जो है ये डिफ्यूज़ है और बहुत सारी बिली ट्री की डक्ट्स को इसने इन्वॉल्व किया हुआ है